अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ ठीक पहुंच रही है पीछे? इसके बगैर भी पहुंच रही थी नहीं? फिर भी अच्छा। अच्छा आपके माशाल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। पहला सवाल मुस्तराफ की तरफ से है। ईसाई अहबाब खुदा ताला को फादर कहते हैं और मुत्तफिका तौर पर अक्सर लोग खुदा ताला को माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि माँ जन्म देती है। बराए करम खुदा ताला की इमेज के बारे में कुरानी तालीम से मुतला फरमावे। माँ कहते हैं बाप कहते हैं? फादर, ईसाई लोग फादर फादर इमेज। और औरतें आजकल माँ का इमेज पेश कर रही हैं, तो क्योंकि वो माँ जो है वो जन्म देती है, तो हजूर इस सिलसिले में कुरानी तालीम से मुतला फरमाए। कोई जज्बाती बातें नहीं की बल्कि हकायक की बातें की हैं जो हमेशा की दायमी सच्चाइयाँ हैं, वरना लफाजी में मुख्तलिफ जज्बात से इस्तेफादा करके कई किस्म की कल्ट्स बन जाती हैं, कई किस्म के दिलकशी के सामान पैदा किए जाते हैं। मगर कुरान करीम इन चीज़ों से बाला है, वो अल्लाह का कलाम है, इसलिए उसने हकीकत पेश फरमाई है। रहमानियत किताबें उसने तख्लीक बयान फरमाई है और रहम ही माँ का वो जिस्म का हिस्सा है जिसमें बच्चा पलता है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवाले से फरमाया कि खुदा ने तख्लीक रहमानियत की वजह से की है और माँ बच्चा पैदा करती है जिस जिस्म के हिस्से से, उसका नाम भी रहम है। इसलिए याद रखो, अगर तुमने रहम से रिश्ता काटा तो रहमानियत से रिश्ता काटा जाएगा। ये एक बहुत गहरी हकीकत है और दायमी सच्चाई है, इसको किसी और लफ्जी सहारे की ज़रूरत नहीं है। रहमान का ताल्लुक अगर जहन नशीन हो जाए तो सारी कायनात का फलसफा समझ आ जाता है। माँ को बच्चे से प्यार, बच्चे को माँ से प्यार, इसलिए कि 9 महीने रहम में पला है, इससे ज़्यादा अरसा तो नहीं। रहमानियत का ताल्लुक तख्लीक से पहले से है और कुरान करीम की हिकमत कोई अजीम खराज तहसीन पेश करने वाली आयत है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक अल इंसान अल्लमहुल बयान। ये आयत बताती हैं कि अगर इंसान का कलाम होता तो उसने ये कहना था अल खालिक, जिसने खल्क पैदा की, लेकिन कुरान करीम फरमाता है अर्रहमान, वो रहमान खुदा है जिसने खलक किया है इंसान को। इसलिए कि रहमानियत का एक माना यह है कि रहम में इतना ज़्यादा कि कोई मांगने वाला ना हो तो फिर भी दे और मांगने वाले पैदा करे और मांगने वालों की वो सारी ज़रूरतें पूरी करे जो उसको दरपेश हो सकती हैं, मगर चूंकि था नहीं इसलिए मांग नहीं सका। और इसके साथ रहीमियत है फिर बाद में, जैसा कि सूरह फातिहा में भी हम पढ़ते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला ने इसमें बहुत गहरा ताल्लुक बयान फरमाया है जो सिर्फ इंसान और खुदा के दरमियान नहीं बल्कि सारी तख्लीक और इंसान के दरमियान है। चुनांचे खुदा ने, रहमान खुदा ने ये ज़मीन और आसमान पैदा किए और इंसान इसके 20 बिलियन साल बाद पैदा हुआ या 19 बिलियन साल बाद, लेकिन 19 बिलियन साल पहले जितनी भी इंसानी ज़रूरतें मुमकिन थी वो तमाम तर कायनात में रख दी और हर दौर के लिए ज़रूरतें रखी और उन
अदवार में इंसान के शऊर को जिला बख्शे कि उन ज़रूरतों को पहचाने और उनसे फ़ायदा उठा सके। तो इन जुमला और बातों के एक तरह एक बात तो ये काबिल तवज्जो है कि माँ कहने से ज़्यादा 9 महीने का रिश्ता जहन में आएगा, मगर रहमान के ताल्लुक से 20 बिलियन साल का रिश्ता जहन में आता है। और कायनात में जितना भी उरूज है, जितना भी इर्तिखा है, कुरान करीम की दूसरी आयात से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि वो इर्तिखा की हर सीढ़ी इंसान की तरफ हरकत कर रही थी, और जब ज़िंदगी पैदा हुई है तो उसकी तरक्की की हर मंजिल भी इंसान ही की तरफ रवा दवा थी। और जब इंसान बन गया तो फिर जब उसकी ज़रूरतें शुरू हुई हैं तो आगाज़ से लेकर इंतहा तक, यानी आज के ज़माने तक समझिए आप, अगर इंतहा हो तो इनसे आगे भी जितनी ज़रूरतें हैं वो भी रखी हुई हैं। लेकिन खुदा तआला ने ये असूल बयान फरमाया, व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरि मालूम, कि हमारे पास ख़जाने तो ला इंतहा हैं मगर उनको ज़ाहिर फरमाते हैं एक मालूम अंदाजे के मुताबिक, यानी किस ज़माने में ज़ाहिर होना चाहिए, कितना ज़ाहिर होना चाहिए, यह एक मुय्यन तकदीर के मुताबिक इंसान पर बात खुलती चली जाती है। अब इस हवाले से मैं पहले भी जमात के सामने ये मज़मून खोल चुका हूँ और बहुत लंबा मज़मून है, मगर इस एक सवाल के हवाले से कम मुख्तसर मुझे ज़रूर बयान करना होगा। आप ये देखें कि मौजूदा दौर जो एटॉमिक एनर्जी का दौर है, इससे पहला दौर जो था वो तेल का दौर था, और तेल और एटॉमिक एनर्जी के दौर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए हैं। उससे पहले कोयले का दौर था और कोयले से पहले लकड़ी का, लेकिन लकड़ी और कोयले के दौर भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हैं, यानी कि अचानक एक ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया, और कोयले और तेल का दौर भी इसी तरह एक दूसरे के साथ बना हुआ है, जिस तरह औरतें वो धागा बुनती हैं, सूत काटती हैं या ऊन के धागे बुनती हैं, तो एक दूसरे के साथ उनके टुकड़े ओवरलैप करते चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान की तवानाई की ज़रूरतों को जिस तरह पैदा फरमाया है, सिर्फ उस कहानी को आप पढ़ें तो इंसानी ताल्लुक इतना गहरा, इतना लंबा हो जाता है कि माँ बाप दूसरे रिश्तों की कोई हैसियत ही बाकी नहीं रहती। कहाँ बाप का ताल्लुक, कहाँ माँ का ताल्लुक, कहाँ उस रहमान का ताल्लुक जिसने इंसान बल्कि कायनात की तख्लीक से पहले उसकी सारी ज़रूरतें मुअय्यन फरमाईं, और फिर रफ्ता रफ्ता ऐसी उमदगी और हिकमत के साथ उनको ज़ाहिर फरमाया कि इंसानी शऊर की तकमील के मुताबिक चीज़ों की दरियाफ्त हुई है। जो लकड़ी का दौर था उसमें इंसानी शऊर किसी इंजन की पैदावार का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और लकड़ी के दौर में इंजन ईजाद नहीं हुआ और कोयले से महरूमी का एहसास तक पैदा नहीं हुआ। जब उसने एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन बनाया, यानी इंसानी शऊर इतना तरक्की कर गया कि बैरूनी ईंधन से मशीनें चल सकती थीं, तो उस वक्त तक कोयला दरियाफ्त हो चुका था और कोयले के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। लकड़ी के साथ भी चलता था क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन असल ज़रूरत जो थी वो कोयला पूरी करता था। चुनाचे कोयले का दौर जो आया है इसने यूरोप की इंडस्ट्री को इतना गैरमामूली सहारा दिया है, इतनी बड़ी ताकत दी है कि कोयले को यहाँ से निकाल लें तो ये सदियों पहले वापस लौट जाएंगे। और उस वक्त तक तेल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इंटरनल कंबस्टन इंजन जो अपने ईंधन को अपने अंदर समेट कर वहाँ से तवानाई लेता है, उस तक अभी इंसानी दिमाग की रसाई नहीं थी, साइंसदान अभी उस मुकाम तक नहीं पहुँचे थे।
मगर उधर शऊर ने तरक्की की और ऐसे इंजन की जरूरत दरपेश हुई जिसके बगैर हवाई जहाजों की इजाद मुमकिन ही नहीं थी। अगर दिमाग में आ भी जाता तो ईंधन ना होता तो हवाई जहाज कैसे चल सकते थे? वो ना लकड़ी से चल सकते हैं ना कोयले से चल सकते हैं। तो तेल की दरियाफ्त खुदा तआला ने उस दौर में करवाई जिस दौर में साइंस ने तरक्की करते हुए तेल के इस्तेमाल के राज सीखे। और जब वो दौर आया कि मालूम हुआ कि गोया तेल भी साथ छोड़ देगा और इंसानी दिमाग नई नई राहें अपनी तरक्की की ढूंढ चुका है जिनमें तेल की तवानाई काफ़ी नहीं हो सकती, तो एटॉमिक एनर्जी जो ज़र्रात में खुदा तआला ने लामुतना ही ताकत के खजाने रखे हैं उनको खोल दिया। ये इत्तेफाक नहीं है क्योंकि कुरान करीम ने इन सब अदवार की निशानदेही फरमाई है। एटॉमिक एनर्जी के दौर की भी ऐसी वाज़ेह निशानदेही की है कि कोई दहरिया भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि उन आयात का जो मेरे जहन में है, यानी इस वक्त तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, कि सवाए एटॉमिक एनर्जी के दौर के कोई और तर्जमा कर सके। तभी गुज़श्ता लिखने वाले तर्जमा करने वाले मुफस्सिरीन उन आयात से गुजरते रहे हैं तो बाज़ तो कोशिश के बगैर ही गुजर गए, यानी जोर भी नहीं लगाया कि इसका तर्जमा कर सकें या करके दिखाएं। और बाज़ जिन्होंने किया वो साफ नज़र आ रहा है कि कोई बस नहीं चलता, सोच भी नहीं सकते कि एटम कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें तवानाई इतनी हो। तो तर्जमा ये कर दिया कि आइंदा दुनिया में जहन्नम का नक्शा खींचा जा रहा है और जहन्नम पर वो लफ्ज़ इतलाक नहीं पाते क्योंकि जहन्नम का जहाँ नक्शा खींचा जाता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये रहमानियत का सिर्फ एक अदना करिश्मा है, यानी रहमानियत के एक पहलू पर अगर आप गौर करें तो इंसानी ज़रूरतों की कब से खुदा तआला ने फिक्र फरमाई और किस तरह कदर मालूम के मुताबिक उनको गोया नाजिल करना शुरू किया। तो अगर किसी इंसान में ज़र्रा भर भी एहसान मंदी का जज्बा हो तो खुदा के सिवा किसी को एहसान करने वाला ना माने। माँ का ताल्लुक जो पैदा होता है बाद में, मैंने जैसे कि बयान किया, उससे पहले माँ की तैयारी में भी तो खुदा ने 1 बिलियन साल लगाए हैं। किस तरह मर्द और औरत की तख्लीक हुई, किस तरह उनके मिलने का निज़ाम कायम फरमाया, वो बारीक खलिए जिनके बगैर पैदाइश मुमकिन नहीं, उनको किस बारीकी के साथ पैदा किया है, ये इतनी बड़ी कहानी है कि आमतु नास जिनको साइंस से आशनाई नहीं वो तो दरकिनार, अक्सर साइंसदान भी इन बारीकियों को नहीं समझते। और ख़ास ऐसे साइंसदान जिनका इंसानी ज़िंदगी के खलियों के साथ ताल्लुक़ है वो जानते हैं कि इसमें कितनी लताफतें हैं। नाकाबिले बयान इतना बड़ा जहान है तख्लीक का कि अगर उसके राज खोले जाएं तो साइंसदान जो वाकिफ हाल हैं वो लिखते हैं कि एक इंसानी ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी की कोई भी किस्म हो उसके हर खलीये के अंदर जो राज अल्लाह ताला ने कलम बंद फरमा दिए हैं, जिसको हम मॉडर्न ज़ुबान में कंप्यूटराइज कर दिए हैं कह सकते हैं, उनको अगर हम पढ़कर लिखना शुरू करें तो 25,000 सफ़े की किताब बनेगी जो बारीक लिखी हुई हो और अच्छी तरह पैक्ड हो लफ्ज़ों के साथ। और ये कुछ साल पहले का अंदाज़ा है। उसके बाद जो दरियाफ्ते हैं उन्होंने 25,000 सफ़ों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये अल्लाह ताला इंसान और खुदा के ताल्लुक की कहानी बयान फरमाता है कुरान करीम में और रहमानियत से ताल्लुक जोड़ने के लिए इंसान को आमादा फरमाता है। और फिर माँ के ताल्लुक का ख्याल भी सबसे ज़्यादा रहमान ही करता है। जिस तरह कुरान करीम ने माँ के हकूक़ कायम किए
माँ और बाप के जो एहसानात हैं उनको याद दिलाया, उनके तकाजों की तरफ तवज्जो दिलाई। दुनिया के किसी मजहब में इसका उशर अशीर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो महज जज्बाती बाज लफ्ज ईजाद कर लेना, ये माँ की तरह है, ये बाप की तरह है, ये तो सतही बातें हैं, तस्वीरें हैं जिनमें जान कोई नहीं। कुरान करीम तो एक जानदार कलाम है, और ये मुख्तसर सा नमूना मैंने आपके सामने रखा है कि कुरान के नज़दीक अल्लाह ताला और इंसान का क्या ताल्लुक है, जिसको सोचे बगैर हकीकत में अल्लाह ताला के एहसानात का तसव्वुर बांधा नहीं जा सकता और शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। हक तो अदा हो ही नहीं सकता, मगर शक हक अदा करने की तरफ तवज्जो भी पैदा नहीं हो सकती। ठीक है हजूर, इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब जो रेंस पार्क से तशरीफ लाए हैं, उनका सवाल। कहाँ से तशरीफ लाए? रेंस पार्क विंबलडन करीबी हमारे साथ आए हैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब। सरकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुरान की एक आयत आपके सामने तर्जुमा करता हूँ, मुझे इस आयत की तशरीह अगर आप फरमाएंगे तो नवाजिश होगी। ये सूरह आल इमरान की एक आयत है, तिलकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फमन हाजा का फ़िहा मिन बादे मा जाका मिन अल इल्म फ़क़ुल तआलू निदाबना नवाबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वानफुसना वानफुसकुम सुमान अब्तहल फजल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इसमें आयत में यह है कि अल्लाह फरमाते हैं रसूलुल्लाह से कि आप अपने बेटों को ले आओ, तो रसूलुल्लाह के तो कोई बेटे हैं नहीं, तो अल्लाह कैसे फरमा रहे हैं कि आप अपने बेटों को ले आओ। अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी औरतों को ले आओ, जबकि रसूलुल्लाह एक औरत को ले जाते हैं। ये तज़ाद बयान फरमाया। देखिए मुबाला दो तरफा हुआ करता है, एक तरफा नहीं हुआ करता, और जब दोनों सिमतों के इम्कानात को पेश नज़र रखा जाए तो बयान ऐसा होना चाहिए जो हावी हो, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चैलेंज अगर देते कि तुम सिर्फ अपनी बेटियां लेके आओ या एक ही बेटी लेके आओ, तो ये चैलेंज कितना नामुकम्मल सा और अजीब लगता उस दुश्मन को जो अहले अयाल वाला था। तो मुराद ये है सब कुछ, जो कुछ तुम्हारा है और जो तुम्हें प्यारा है वो तुम ले आओ, जो मेरा है और मुझे प्यारा है वो मैं ले आता हूँ। तो ये तर्ज कलाम है, फसाहत और बलावत का एक नमूना है, इसलिए इसको लफ्जों की पाबंदी में महदूद न करें। समझ गए? शुक्रिया। हाँ जी फरमाइए शौक से। कुरान की तरतीब के हवाले से सवाल है कि तारीख़ी अतबार से वाज़े है कि कुरान की पहली आयत जो नाजिल होती है क़ारे हिरा के अंदर वो है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और आखिरी आयत है हज से वापसी के मौके पर वमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये सारी चीज़ें हमें कुरान में तरतीब के हवाले से नहीं मिलती। मेरे ज़ाती मेरा जहन ये कहता है कि मैं इसमें कन्फ्यूजन में हूँ, तो आप मेरे कन्फ्यूजन को किस तरह रिमूव करेंगे? कर दूँगा इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। कुरान करीम का नज़ूल हो या किसी भी इलाही किताब का नज़ूल हो, वो तदरीज के साथ वक्ती ज़रूरतों को पकड़ता है और अहम चीज़ों को जो उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं पहले लेता है, लेकिन जो दायनी तरतीब है वो उस वक्त के तकाज़ों से अलग है, वो आलमी तरतीब है, वो क़्यामत तक की ज़रूरतों की तरतीब है। अब ये कुरान करीम के मौज़ों में से सबसे बड़ा मौज़ा है जिसका आप इशारा जिसकी तरह जिक्र फरमा रहे हैं, कि उसने जब कुरान की आयात नाज़िल फरमाई तो मौके और महल की ज़रूरतों के मुताबिक वो अजनबी कलाम नहीं लगता था, लगता था देख रहा है खुदा ताला सामने उनको, उनकी एक एक ज़रूरत के वक्त उन हदायतें दे रहा है, उनको पूरा करने के तरीक़ बता रहा है, उनसे जो तवक्कुआत हैं वो बयान फरमा रहा है। लेकिन अगर उसी तरतीब पर कुरान करीम रहता तो हमेशा की बात की ज़रूरियात उस तरतीब से तो नाजिल नहीं होनी थी। अब वही मिसाल जो मैंने अभी दी है रहमानियत की और इसके मुस्तकिल जो तकाजे हैं उनके पूरा करने की, ये उस ज़माने के लिहाज से इस तरकीब और इस तफसीर के साथ बयान होने वाली बातें नहीं थी। चुनाचे कुरान करीम ने जो दायमी तरतीब दी है वो मुख्तलिफ दी,
और मौजज़ा ये है कि बावजूद इसके कि आगे पीछे कर दिए हैं आयात, लेकिन रब्त इतना कामिल है कि बिस्मिल्लाह की बे से लेके नास की सीन तक मुसलसल रब्त चल रहा है और कोई भी ज़रूरत की चीज़ नज़र से ओझल नहीं होती। अब शरीयत का जहाँ तक तकाजा है, सूरह अल बकरा में शरीयत के उसूल बयान फरमाए, उसका आगाज बताया कैसे हुआ करता है, उसको समझने का फ़लसफ़ा बयान फरमाया, हवाले दिए ज़्यादातर बनी इसराइल के, क्योंकि पहली शरीयत जो इससे गुजरी, इससे पहले गुजरी थी वो मूसा की शरीयत थी, किन किन चीज़ों में उन्होंने ठोकरें खाई, और फरमाया कि उन वो ठोकरें ना खाना। ये कलाम अगर मक्के के आगाज़ में नाजिल होता तो अहले मक्के के लिए अजीब था। वो कहते हम मुश्रिक लोग हैं, हम तो खुदा को मानते नहीं, हमारे नज़दीक मूसा की हैसियत कोई नहीं, ये कलाम हमसे क्या बातें कह रहा है। बस इब्तदाई कलाम में तौहीद का कलाम है और तौहीद की शान बयान हुई है, शिर्क के खिलाफ मजामीन बयान हुए हैं, और वो जो जो कलाम आगे बढ़ा है शरीयत की ज़रूरतों को उनके मुताबिक पूरी करता रहा। इसमें एक तदरीज और भी ज़रूरी थी, वो ये थी कि कुरान करीम की रूह से सारी शरीयत एकदम अगर नाजिल होती तो लोगों पर वो बोझ पड़ जाता जो वो उठा नहीं सकते थे, इसलिए अहम तरीन चीज़ें पहले बयान हुई। सबसे पहले नमाज फ़र्ज हुई है और नमाज भी तदरीज के साथ फ़र्ज हुई है, पहले दो रकतें होती थी, फिर रफ्ता रफ्ता इनको बढ़ाया, जूँ जूँ आदत पड़ती गई उसके साथ साथ उनकी तवानाई के पेश नज़र उन पर बोझ बढ़ाया गया। फिर बाद में जिक्र आता है हज का, फिर बाद में जिक्र आता है ज़कात का, तो साथ ही चलता है हमेशा हर मज़हब में, नमाज और ज़कात, इबादत और ज़कात, ये तो इस तरह इनका चोली दामन का साथ है कि कभी किसी मज़हब में एक दूसरे से अलग नहीं हुई, और ये आगाज़ ही में कुरान करीम ने दोनों अहकाम जारी फरमा दिए। मगर रोज़े हैं और हज है और इसी तरह के दीगर फ़राइज़, वर्षे का निज़ाम है, ये पहले दिन हो नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए जहन अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे। पाकिजगी की तालीम है, वो एकदम बोझ उठाने की ताकत नहीं थी अरब माशरे में। तो अगर आप कुरान करीम को मौजूदा तरतीब से पढ़ें तो आपका दिल खुदा के हजूर सजदे करेगा शुक्र के कि कितनी आला तरतीब है, कितनी बरमहल और दायमी नौयत की तरतीब है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर हर सूरत का दूसरी सूरत से ताल्लुक़ है, एक सूरत जिस मज़मून पर ख़त्म हो रही है दूसरी उसी के साथ उठ रही है, और इतना वाज़े जोड़ है कि आदमी हैरान रह जाता है। अब यह तरतीब बदलना और तरतीब कायम रखना ये एजाज़ है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि ये कोई नक्स नहीं बल्कि बहुत बड़ा मौजज़ा है। शुक्रिया। विजात की इजाज़त है। जी जी, तरतीब तो बाद में हुई जब रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। ये गलत बात है, नहीं मैं बताना चाहता हूँ आपको। बैठ जाए, मुझे ख्याल आया था इस बात की भी, इस बात को भी खोल दूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि आपके जहन में ये सवाल है, इसलिए मैंने वक्त बचाने के लिए इसको छोड़ दिया था। जो तरतीब है वो बाद में नहीं हुई, तरतीब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ वही के मुताबिक ये बताते हुए कि जिब्राइल नाजिल हुए और कहा इस आयत को वहाँ रखो, उसको वहाँ रखो, ये सूरत पहले आएगी वो बाद में आएगी, साथ साथ बताते जाते थे। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत बड़ा एहसान है उम्मत पर, या खुदा ने उनको इसका ज़रिया बना लिया, अल्लाह का उन पर एहसान, कि उन्होंने एक एक सहाबी से जो गवाह थे इस बात के उनसे हल्फिया गवाहियाँ ली, वो तमाम कुताब जो लिखते थे उनको बुलाया, और एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद जब मुत्तफ़ अलैह ये बात तय हो गई कि ये आयत अगरचे बाद में नाजिल हुई मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाही तालीम के मुताबिक इसे पहले रखने की तरकीन फरमाई है, ये सूरत अगरचे पहले नाजिल हुई मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बाद में रखने की तरकीन फरमाई, इस मुकम्मल गवाही के बाद
फिर वो तरतीब कायम हुई है। और इसका सबूत मैं पहले दे चुका हूँ, आपने शायद नोटिस नहीं लिया उसका। मैंने कहा था तरतीब मुसलसल है और बगैर रखने के है। हज़रत उस्मान को क्या तौफीक थी कि इतना अजीम शान कारनामा सर अंजाम देते बगैर इलाही हदायत के। तो रसूलुल्लाह ही की हदायत थी जिस पर अमल दरामद हुआ है, वरना हज़रत उस्मान या सारे सहाबा मिल के भी ये तरतीब कायम नहीं कर सकते थे जो अल्लाह ताला की तालीम और हदायत के बगैर कायम हो ही नहीं सकती। शुक्रिया। हजूर, अगला सवाल जनाब बसीर अफरीदी साहब जो विंबलडन से तशरीफ लाए हैं उनका है, वो माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं और रिसर्च पे हैं। बसीर साहब। हजूर और महफिल शिरकत, सलाम अलैकुम। वालेकुम। मैं दो सवाल लेकर आया हूँ, एक साइंस से मुतालिक और एक जमात से मुतालिक। शौक फरमाइए। आजकल क्लोनिंग का बहुत चर्चा है, इसका हकीकत क्या है और इस बारे में इस्लामी नुक्ता निगाह क्या है? क्लोनिंग के मुतालिक सबसे पहले तो एक गलत फहमी दूर होनी चाहिए। ये जो मगरबी प्रेस है ये क्लोनिंग को इस तरह पेश कर रहा है गोया इंसान तख्लीक पर कादिर हो गया है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें अदना भी सच्चाई नहीं। इंसान आज तक डीएनए का एक जुज भी नहीं बना सका, वो इंसानी तख्लीक का मतलब है खुदा की तख्लीक की चोरी, और एक जगह से उठाकर उसे दूसरी जगह लगा दिया जाए। और वो लगने का जो मादा है वो पहले से ही उस तख्लीक में मौजूद था, और ये जो पहलू है इसी का क्लोनिंग से भी ताल्लुक है। और ये जो ख्याल है कि मशीन में वो जरे डाले जाएं और बन बन के इंसान घड़ घड़ के बाहर निकलते जाएं, बिल्कुल झूठ और गलत ख्याल है। इंसानी माँ की ज़रूरत पेश आती है और इंसानी माँ के हवाले के बगैर जैसे सरोगेट मदर होती है, ये क्लोनिंग भी मुमकिन नहीं। और अगर जानवर है तो फिर भेड़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर भेड़ पैदा करनी है तो उस किस्म का टकसाली का कारखाना नहीं है जो लोग तस्वीर पेश करते हैं। ये तो इसकी नौयत का ताल्लुक जहाँ तक है, इंसान बना कुछ नहीं सका, इंसान ने तख्लीक के मामले में दखल अंदाजी शुरू की है तख्लीक के राज पढ़कर। इसके मुतल्लिक कुरान करीम ने एक वाज़ वार्निंग दी थी, जितनी भी कुरानी पेशगोइयाँ हैं उन सब में एक तारीफ का सारंग है कि देखो इंसान ये भी ईजाद करेगा वो भी करेगा, यानी अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक। मसलन जहाँ ज़मीन का अपने हैवी मेटल्स का उगलना, अपने राजों का बाहर करना है, और फरमाता है बे अन्ना रब्बा का ओहा लहा, इसलिए ज़मीन वो राज उगलेगी कि खुदा उसे वही करेगा कि अब वक्त आ गया है, इन खजानों को छुपाए ना रखो, इन्हें बाहर करो ताकि इंसान इससे फ़ायदा उठा सके। लेकिन जहाँ तख्लीक में दखल अंदाजी की पेशगोई है वहाँ इसे शैतान की तरफ मंसूब फरमाया, फरमाया शैतान मेरे बंदों के दिल में वसवसे डालेगा और उन्हें कहेगा कि तुम तख्लीक में तब्दीली करो, और इसके बाद नाराज़गी का इजहार है, जब वो करेंगे तो उनको सजा मिलेगी उसकी। चुनांचे क्लोनिंग हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, उन दोनों का जिक्र कुरान करीम में बड़ी वजाहत से पहले से मौजूद है, और इस तंबीह के साथ है कि तुम ये ना समझना कि तुम सजा से बच जाओगे। बस दो पहलू हैं इसके, एक है खुदा की तख्लीक के मुताबिक उसकी हिफाजत उसकी बका में इंसान अपने इल्म को इस्तेमाल करे, ये पहलू बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। मसलन टेस्ट ट्यूब बेबी है, अगर बाप का स्पर्म है माँ का ओवम है तो उसको बच्चा बनाने में मदद देना ये शादी का मकसद है, इंसानी तख्लीक के मकासद में दाखिल है। इसलिए कुरान करीम से ये नतीजा निकालने की कोशिश करना कि गोया ये हराम है बिल्कुल झूठ और लगव है। अल्लाह ताला की तख्लीक की ताईद में उसी के राजों को समझकर इस्तेमाल करना किसी पहलू से भी गुनाह नहीं है।
मगर जहां आप सरोगेट मदर ले आएंगे बीच में, जो बीवी नहीं है, तो गोया बगैर शादी के जिसको आप कहते हैं नाजायज बच्चा, वो आपने दे दिया, उसका जरिया नॉर्मल इख्तियार करने की बजाय पीछे से लाकर दूसरा काम पकड़ा गया है। और हकीकत वही रहेगी कि जिसका बेटा है उसका जिस माँ से होना चाहिए था उस माँ से नहीं है, गोया माँ का सौतेला बेटा बन गया। जहाँ तक ये कहने का ताल्लुक है कि ओवम माँ का लिया गया हो, तो इस बात में, इस बारे में तो जो भी फिल हकीकत इस इंसानी पैदाइश के राज को जानने वाले साइंसदान हैं, वो जानते हैं कि महज ओवम का होना काफ़ी नहीं है। 9 महीने जो बच्चा माँ से खून लेता है, उससे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स लेता है, बहुत सी ऐसी सलाहियतें हासिल करता है जो ओरिजिनल ओवम की वजह से नहीं मिलती उसको। इसलिए कहना गलत है कि वो खालिसतन पहली माँ ही का बच्चा है। वो यकीनन एक अजूबा रोज़गार सी चीज़ बन जाएगी, कुछ उसने हिस्सा माँ से लिया है और बाकी किसी ऐसी माँ से जो माँ बनने का हक नहीं रखती, क्योंकि रिश्ता अज़दवाज वर्जियत में नहीं परवाई गई। तो ये वो है, क्लोनिंग के ज़रिए करें या किसी और से ज़रिए से करें, क़ुरान करीम ने इसके असूल बयान फरमा दिए और बड़ी वजाहत से तंबीह भी फरमा दी। और नतायज हम देख रहे हैं अमरीका में जो तजर्बे हो रहे हैं तख्लीक बदलने के, जिनके इसके खिलाफ खुदा तआला ने बहुत ज़बरदस्त तंबीह की है, उसके ज़रिए से बाज़ ऐसे नए जानवर वजूद में आ गए जो साइंस के हिसाब से नहीं बनने चाहिए थे। मसलन एक जीन को एक बैक्टीरिया से लिया और एक चूहे के क्रोमोसोम्स को लिया और उसके जीन और उसके वो जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स ही हैं जिनमें जीन्स फिट होती है, उनमें कहीं फिट किया उसको। अब ये बात साइंसदान नज़रअंदाज कर गए कि हर जीन को जो दूसरी जीन से एक रिश्ता है वो बैन ही उस पोजीशन में कायम होता है जिसमें वो रखी गई है, और जो दायरे में वो क्रोमोसोम्स घूमते हैं वो कौन सी जीन किसके आमने सामने है उस हेलो के अंदर, उसकी वजह से उसकी सिफात बनती है। और उनको अगर उस तरतीब को बदल दें तो चीज़ कुछ और बन जाएगी। तो बैन ही यही हुआ, मुझे अब याद नहीं कि चूहा था या क्या था, मगर जो भी जानवर उन्होंने बनाने की कोशिश की जी, नहीं ये जो सदाई तजर्बा उसमें भेड़ नहीं थी, अभी इंसेक्ट्स की बात हो रही थी, वो ज़रात की मदद करने के लिए बाद ऐसे इंसेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे जो रेजिस्टेंट हों आम बीमारियों के, लेकिन बाज़ बीमारी पैदा करने वाले कीड़ों को खा जाएं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो कीड़ा जो भी चीज़ वजूद में आई उसने उनको हैरान कर दिया कि उसको उसका कैरेक्टर वो नहीं था ही नहीं जो वो समझे थे कि होना चाहिए। तो इस पहलू से कई मुकदमे इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी अदालतों में कायम हैं, बहुत से साइंसदान परेशान हो चुके हैं। और ख़तरा ये है कि इंसान किसी वक्त अपनी ही तख्लीक तो नहीं कर सकता मगर बिगड़ी हुई तख्लीक का गुलाम बन जाए, और उसकी एनवायरनमेंट पर उसकी अहमकाना इजादात इस तरह कब्जा कर लें कि फिर इंसान से बाला कोई और चीज़ या इंसान पर गालिब आने वाली कोई जिन्नाती किस्म की मखलूक जो उसने पैदा की हो उस पर कब्ज़ा कर जाए। तो ये बुनियादी तौर पर वो तालीम है कुरान करीम की, इसका क्लोनिंग से भी ताल्लुक है और जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी है। दो सवाल, पहले तो मैं गौर साहब का ममनून हूँ, उन्होंने मुझे आने का मौका दिया। जमात को मैं जब 5 साल का था उस वक्त से जमात के बारे में जानता हूँ। किस जगह? जयपुर। अच्छा, माशाल्लाह। जहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर मजीद और डॉक्टर सईद साहब थे। उसके बाद जब मैं कराची रहा तो अब्दुलरहमान साहब इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उनके बच्चों के साथ
काफ़ी उठना बैठना उठा। यहाँ आया तो मेरी बीवी ने इसी मस्जिद में तालीम हासिल की, तो जमात के लोगों से ताल्लुक़ रहा। जितने भी जमात के लोग हैं उन्हें एक चीज़ जो उनमें सब में मिलती है वो खलूस और मोहब्बत। हमेशा लिबास से हर लिहाज से मुस्लिम लगते हैं। क्या वजह है कि इस जमात के लोग इतने ख़िलाफ़ हैं और इसको एक इस्लामी जमात नहीं माना जाता? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात पैदा फरमाई थी उसकी बाकी मक्के वालों और अरब वालों से जो इम्तियाजी शक्ल थी वो यही थी, रुहमा व बैनहुम। कुरान करीम फरमाता है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले और बहुत रहमत का सलूक करने वाले थे। जबकि बाकी सब मक्कन चीफ्स हों या जो भी हों, बाहर के लोग बदवी, उनके दिल फटे हुए थे। और एक ही जमात थी जो बाहमी खलूस के रिश्तों में बांधी गई और उसमें हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत ने सबसे बड़ा काम किया है। और सबसे ज़्यादा दुश्मन आपका माहौल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पैदा करदा जमात का बन गया। इससे पहले भी यही कहानी हज़रत ईसा के ज़माने में ज़ाहिर हुई। यहूद के मुतल्लिक कुरान करीम फरमाता है दिल फटे हुए पत्थर हो गए, सख्त दिल, जालिम, इंतकाम लेने वाले। उनमें एक रहम दिल नबी पैदा हुआ जिसने यहाँ तक तालीम दी कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर लो, और उसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो इसका मतलब यह है कि दुश्मनी के अंदर कोई और गहरा राज है, तालीम और किरदार नहीं है दुश्मनी का मूजिब। दुश्मनी का मूजिब फिल हकीकत अगर आप अंबिया की तारीख का मुताला करें तो इनकार करने वालों के दिल की गवाही है कि पैगाम खा हल्का हो, नरम हो, किरदार खा कितना ही दूसरे के सामने झुकने वाला हो, मगर ये लोग गालिब आने वाले ज़रूर हैं। इनको अगर ज़बरदस्ती रोका ना गया तो हमारा ओल्ड ऑर्डर को खा जाएंगे और एक नया निज़ाम ला कर छोड़ेंगे। ये बुनियादी खौफ है जो हर किस्म के दुश्मन को इकट्ठा होने पर मजबूर कर देता है और उनकी सख्ती तदरीजन बढ़ती है। अहमदियत की तारीख का मुताला करके देखें, ये सख्ती कम होने की बजाय बढ़ी है और बढ़ने की वजह अहमदियत की तरक्की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैन ही यही हुआ। चंद हवारी बेचारे दरवेश किस्म के लोग, वो कोई बुरा कहता था तो भला कहते थे, आगे से मारने वालों की खिदमत करते थे, उनसे क्या खौफ था मुआशरे को। मगर उनके किरदार में गालिब आने वाली कुछ सिफात थी जो वो जानते थे कि कमज़ोरी के बावजूद ये सिफात कभी हारा नहीं करती। और उनमें से एक वही सिफत है जो आपने बयान फरमाई है, बाहमी मोहब्बत, अख़ुव्वत। ये मोमिन की सोसाइटी का एक इम्तियाजी नुक्ता है, एक इम्तियाजी किरदार है जिसकी वजह से वो दुश्मन जो बज़ाहिर इकट्ठे हों लेकिन दरअसल फटे हुए होते हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। शुक्रिया हजूर। अगला सवाल जनाब मोहम्मद सलीम असकर साहब जो नॉर्थ लंदन से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने कहा है कि मैं उनका सवाल पढ़ दूं। अच्छा, आप उनकी जगह, ठीक है, आप खुद पसंद फरमाएंगे या वो? अच्छा मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं इस सारी मजलिस में बिल्कुल ही मजहब से लबल्द आदमी हूँ, क्योंकि मेरे सवाल की वर्डिंग कुछ इस किस्म की है। फिक्र ना करें, वो गालिब का शेर सुना है, तू मश के नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। और दूसरा मेरे जो उस सवाल का जवाब जो है जी, उसकी वो पोजीशन हो गई है कि वो पंजाब में ईर की किताब पढ़ते हैं, कोई साहब पढ़ते रहे तो सुबह मेरे जैसे दुआने ने पूछा कि बताइए ये ईर मर्द सी या औरत था। तो वही के मुतल यही करते हैं। तो यही आलस मेरे सवाल का भी।
सवाल इसमें मैं ये पूछ रहा था अपने दोस्तों कि क्या हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने नबुव्वत का दावा किया है या मसीह माऊद का? अगर नबुव्वत का दावा किया है तो खुद खत्म नबुव्वत से क्या मुराद है? जज़ाकअल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है आपने, क्यों इतनी तबीले बांधी खान पर, मुझे तो डरा दिया था, पता नहीं क्या कहने वाले हैं आप। हजरत मिर्ज़ा साहब के दावे को जैसे मैं बयान करूँगा, अब दोबारा सुने गौर से, तो हमारे अकीदे और गैर एमजी उलमा के अकीदे में एक ज़र्रे का भी फ़र्क नहीं पाएंगे जहाँ तक आने वाले के मकाम का ताल्लुक है, एक ज़र्रे का भी फ़र्क नहीं, फ़र्क शख्सियत का है सिर्फ। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर ख़त्म नबूवत की आयात नाजिल हुई, इन आयात को लाजमन हर दूसरे इंसान से बढ़कर समझा। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई मौलवी ख़त्म नबूवत का माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानता हो। और महदी और मसीह की पेशगोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, दुरुस्त है गलत? और मसीह को नबीउल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, और महदी की जो तारीफ फरमाई वो कुरान करीम में नबियों की तारीफ है। कुरान करीम ने नबियों की फरिश्ते बयान करने के बाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो जिनको हमने इमाम बनाया था, यहदूना बे अमरना, वो ऐसे आइम्मा थे, व जालना हम आइम्मत हैं यहदूना बे अमरना, जो खुद हादी नहीं थे, हमारी हदायत लेकर आगे हदायत देते थे। अल इमाम अल महदी, ये दोनों जुज दाखिल हैं उसमें, यानी अंबिया ही इमाम महदी हुआ करते हैं, कोई गैर नबी इमाम महदी नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम महदी की शर्त अल्लाह ने यह बयान फरमाई, इमाम भी हम बनाएं और हदायत भी हम दें, फिर वो हदायत के अहल हो तो वो इमाम महदी है, और उसी का नाम खुदा ताला ने नबूवत भी रखा। बस ये दोनों जुज वो हैं जिनके हकीकी मानों के एतबार से उलमा हमसे इख्तलाफ नहीं करते। मसलन आप उनसे पूछ के देखें कि बताओ इमाम महदी जो आना था तुम बना क्यों नहीं लेते खुद ही, अभी तक तो आया नहीं, तुम किसी को इमाम बना लो और उसकी हदायत के पीछे चलो, इमाम महदी आ जाएगा। वो आपकी तरफ इस तरह देखेंगे जैसे जहल मुतलक को देख रहे हैं, कहेंगे इमाम महदी खुदा ने बनाना है, और महदी क्यों, वो अल्लाह से हदायत पाएगा। तो नबी की और क्या तारीफ है? नबी वो मर्तबा है जिसके इनकार की अल्लाह इजाजत नहीं देता, और इमाम महदी के मुतलिक तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा, एक भी इस्तेसना नहीं। तो मुंह से नाम कोई और रख दें और तारीफ नबूवत की करें, ये कौन सी, क्या कहेंगे इसको, सादगी कह दूं मैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कह सकता। जहां तक मसीह का ताल्लुक है, वो एक और उज़र तलाश कर लेते हैं, वो कहते हैं कि देखो मसीह के मुतल्लिक तो हमें लाजिमन मानना पड़ेगा कि वो नबीउल्लाह है, बल्कि तमाम बड़े बड़े मुफ्तियान का फतवा है कि जो मसीह को, जो आने वाला मसीह है, उसको नबी नहीं मानेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब जब हम पूछते हैं कि बताइए फिर खत्म नबूवत का क्या मतलब हुआ, एक तरफ आयत खातमुन नबीयीन और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक ऐसे शख्स का उम्मत में नाजिल होना जो नबी कहलाएगा और नबी के फराइज सर अंजाम देगा, तो कहते हैं तुम लोग नहीं समझते इस बात को, खत्मे नबूवत का मतलब है अब नबूवत नबी बनाना बंद हो गया है, पुराने नबी का इस्तेमाल जायज है। अब ये जो लॉजिक है, ये मौलवी को तसल्ली दे दे तो दे दे, एक आम कॉमन सेंस के आदमी को तसल्ली दे नहीं सकती, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि अगर नबी की ज़रूरत थी तो फिर बंद क्यों कर दिया, और ज़रूरत को बैकडोर से पुराने नबी को लाकर पूरा करना ये अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है। इसलिए बहस सिर्फ ज़रूरत की है,
पुराने को लाकर पूरी की जाएगी या उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया जाएगा, ये ज़िमनी बातें बन जाती हैं, वो ज़रूरत के वो कायल हैं। यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, आपके विसाल के बाद नबूवत की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई और नबूवत ख़त्म हो गई, ये उनका अकीदा है। और ये कहने के बाद दूसरे सांस में कहते हैं फिर ज़रूरत खुदा कैसी पूरी करेगा। वो कहते हैं देखो ईसा को उठाकर चौथे आसमान पर बिठाया हुआ है, 2000 साल हो गए, उसी ज़रूरत की खातिर। हम कहते हैं अगर उम्मत मोहम्मदिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम नबी बना दिया जाए जो आपका उम्मती हो और नई नबूवत न लेके आए, नई शरीयत न लेके आए, वो आपको बेहतर लगता है या मसीह मूसवी उम्मत से मांगा हुआ एक नबी? वो कहते हैं जो भी हो हम नबूवत बनना बंद, इसलिए पुराना नबी लेंगे। ये जो उनका उनकी मंतक है इतनी लगव है, माफ करना ये लफ्ज़ सख्त है लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो माने बगैर चारा नहीं रहेगा। वजह ये है कि उसी मसीह के मुतल्लिक जिसको ये कहते हैं कि जिंदा आसमान पर बैठा हुआ है वो दोबारा आएगा, उसके मुतल्लिक कुरान करीम जो गैर मुबद्दल है वो ये फरमा रहा है वरसूलुन इला बनी इसराइल, ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल है। अब मसीह नाजिल हो जाए तो इस आयत को मंसूख कर देगा, अगर मंसूख करेगा तो सारे उलमा उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि तुम होते कौन हो कुरान मंसूख करने वाले। अगर वो कहे मैं उम्मत मोहम्मदिया की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं तो हर शख्स उठकर ये सवाल उठा कर सकता है देखो कुरान करीम, कुरान फरमा रहा है तुम बनी इसराइल के रसूल हो, तुम्हें क्या हक है उम्मत मोहम्मदिया में रिसालत करने का? फिर उसको पहला रसूल कहना ही बिल्कुल बचगाना हरकत है क्योंकि वो रसूल था महदूद कौम के लिए, महदूद वक्त के लिए। उम्मत मोहम्मदिया में जिसने रसालत करनी है उसके लिए लाजिम है कि उसकी रसालत आलमी हो, और जब बनी इसराइल के रसूल को आलमी रसूल बनाया गया तो एक नया रसूल वजूद में आ गया, उसकी तारीफ ही बदल गई सारी। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं इसरार करता हूँ कि अकीदे के लिहाज से आयत खातम नबीन के नजूल के बावजूद नबूवत की ज़रूरत के गैर अहमदी उलमा भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। नबूवत की ज़रूरत के महदवियत के लिहाज से भी दोनों कायल हैं और मसीहत के लिहाज से भी दोनों कायल हैं। सवाल सिर्फ ये है कि वो पुराना रसूल जो 2000 साल पहले आसमान पर चढ़ाया गया था वो उतरेगा या उम्मत मोहम्मदिया के किसी रूहानी फर्जंद को खुदा ताला ये मनसब अता फरमाएगा। समझ गए? शुक्रिया। हजूर अगला सवाल सैयद शहजाद गिलानी साहब का है, ये पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं। सैयद गिलानी साहब, सैयद शहजाद गिलानी साहब तो मुशायरे की सूरत के लिए आए हैं आप जिस तरह अलीम साहब और उनके साथी तशरीफ लाए हुए हैं? जी सॉरी मैं समझा नहीं, मैंने कहा आपके नाम की तरफ से लगता था कि आप शायर भी हैं। जी नहीं नहीं नहीं, मैं कोई शायर नहीं, मेरा शायरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माफ कर, मैं माफी चाहता हूं। इस वक्त उनसे माफी मांगे जिनके जिनके दिल पर आपके इस बरियत से चोट पड़ी होगी। ये तो बात है, शायरों का कदरदान जरूर हूँ लेकिन खुद शायर होने का दावा नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, मेरा सवाल जो है मज़हब और इंसानियत का जो ताल्लुक है ना इसके सिलसिले में है कि मज़हब और इंसानियत का सबसे पहले तो ताल्लुक क्या है, दूसरी बात ये कि आखिरत में इसकी क्या अहमियत है, कि आखिरत का जो आखिरत पे अब हमारा ईमान है कि आखिरत में अल्लाह ताला जब इंसानों का अमाल का फैसला फरमाएंगे तो ऐसा इंसान जो क्रिश्चियन है, सिख है, यहूदी है लेकिन वो अमली तौर पर जो अच्छा हमारा मज़हब हमें तालीम देता है वो अपने हमसाये का ख्याल रखता है, ठीक है, अल्लाह ताला ने जो कुछ फरमाया सिर्फ वो कलमा नहीं पढ़ता, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला का सलूक क्या होगा? पहला सवाल मज़हब का और इंसानियत का क्या ताल्लुक है। मैंने अभी इर्तका का जिक्र किया था इससे पहले, इंसान की मंजिल तक इर्तका पहुंचा है एक अरब साल में,
इंसान को पैदा हुए अभी जुमा जुमा 8 दिन की बात है, कोई मुकाबला ही नहीं इंसानी दौर का पहले दौर से। लेकिन एक ऐसा फर्क पड़ गया जिसने सारी जिंदगी की किस्मों से इंसान को मुमताज और बाला कर दिया। जिंदगी की जितनी अनवाह थी उनमें किसी को भी अच्छे और बुरे अमल के फैसले की न तमीज बख्शी गई न अख्तियार दिया गया। इसलिए कोड का ताल्लुक यानी शरीयत और तालीम का ताल्लुक अच्छे और बुरे से है। जिन चीजों को शौरी कोई नहीं था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उन पर शरीयत नाजिल नहीं हो सकती थी। तो इस शऊर के साथ और इस शऊर में आजादी के साथ कि तुम्हारे सामने दोनों राहें खोल दी गई हैं, मन शाह फल यूमिन व मन शाह फल यकफुर ला काफी दीन। अब दीन में खुदा जबर कोई नहीं करेगा, जिसका जी चाहे मान जाए जिसका जी चाहे इनकार कर दे तो उसका खुदा फैसला फरमाएगा। तो इख्तियार के साथ मजहब का ताल्लुक है और ये इख्तियार कायनात में सबसे पहले जो जिंदगी के इर्तिका में कहना चाहिए सबसे पहले इंसान को मिला है, फरिश्तों को भी नहीं मिला, किसी और मखलूक को नहीं मिला सिवाय इंसान के। बस ये जो इख्तियार है इसके नतीजे में लाजमन तालीम की जरूरत है। अगर अच्छा और बुरा करने में मैं आजाद हूं तो मुझमें या हर दूसरे शख्स में यह ताकत तो हो ही नहीं सकती कि हर मौके पर अच्छे और बुरे का फैसला कर सकें। उसके लिए अल्लाह ताला ने फिर दो निज़ाम जारी फरमाए जिनका दोनों का कुरान करीम में जिक्र है। एक निज़ाम है बयान का, यानी इंसान के अंदर खरे खोटे की तमीज़ की एक बुनियादी सलाहियत रख दी है। वो आंखें बंद कर ले उसकी मर्जी है, मगर सारी दुनिया में किसी तहजीब का इंसान हो किसी जमाने का इंसान हो उसका दिल गवाही देता है कि जब वो किसी को जुल्म करता है किसी को सताता है तो अच्छी बात नहीं है। और हकूक का एक गैर मुबहम सा तसव्वुर हर शख्स में मौजूद है। तो ये आलमी गवाही है इस बात की कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा फरमाया और इख्तियार दिया है तो ये भी लाजिम नहीं कि मजहब नाजिल हो तो उसको खुलकर बात पता चले, उसके शऊर में एक मजहब पैदा कर दिया। ये वो तालीम है जिसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने इंसानों को अपनी फितरत पर पैदा किया है। और खुदा की फितरत क्या है? सिफात बारी ताला, रबूबियत, रहमानियत, जुल्म ना करना, रहम करना, मोहब्बत के रिश्ते बढ़ाना, एक दूसरे का ख्याल, खुदा बुलंदी से झुककर इंसान की कदर करता है। तो ये सारे मामलात इस एक आयत ने हम पर खोल दिए कि एक शरीयत वो है जो हमारे वजूद में हमारे जर्रात हमारे खलियों में पैवस्ता है। और बावजूद इसके चूंकि इंसान उस आवाज़ को नहीं सुनता और इख्तियार से नजायज फायदा उठाते हुए वो खुदगर्जी की तरफ ज्यादा मायल हो जाता है, इस वजह से उसके लिए शरीयत के नजूल की जरूरत पेश आई। आसमान से आने वाली तालीम एक इंसान पर नाजिल होती है, वो बताता है कि खुदा तआला ने ये कोड ऑफ लाइफ तुम्हारे लिए तजवीज किया है। और उसकी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये हुआ करती है कि वो कोड ऑफ लाइफ उसकी फितरत के कोड के मुताबिक हुआ करता है। इसलिए लोग बेवजह इन दलीलों में पड़ जाते हैं, नबी की सदाकत की क्या नाम इलामत है, उसकी झूठे होने की इतनी खुली खुली इलामत लिखी हुई मौजूद है कि अदना सा तदब्बुर रखने वाला इंसान भी तालीम से सच्चाई को पहचानेगा। अगर कोई शख्स पाक तालीम लेके आया है तो उसके इनकार की वजह ही कोई नहीं, उसको नबी कहने में तकलीफ क्या है, भलाई की तरफ ही बुला रहा है ना। और अगर अल्लाह ने नहीं नबी बनाया तो उसका दिमाग फिर गया कि खुदा की तरफ बुला रहा है, और अगर शैतान ने बनाया तो फिर पागल क्यों हो गया कि शैतानी तालीम की बजाय इंसानी फितरत के मुताबिक अच्छी सुलझी हुई तालीम देता है और अच्छी सुलझी हुई जमात बनाता है। तो सबसे बड़ा सबूत जो दिल की गहराई तक इंसान को मुतमईन कर सकता है
किसी नबी या खुदा के बंदे की सच्चाई का निशान फितरत की तालीम के मुताबिक उसकी तालीम और इंसानी आला अखलाक के तकाजों के मुताबिक उसके उसकी अखलाकी तालीम और जमात का बनाना हुआ करता है। बस शरीयत का मजहब से मजहब का इंसानियत से यह ताल्लुक़ है। इसकी सारी तफसील में तो नहीं जा सकता लेकिन आप माशाल्लाह चेहरे से लग रहा है कि आप बात समझ रहे हैं। जी ठीक है। दूसरा पहलू रह गया आखिरत का। आखिरत का जहाँ तक ताल्लुक है वो बावजूद इसके कि इंसान बसा औकात अपने मुआशरे के नेक असर की वजह से अगर उसे नसीब हो या अपने खलियों की तबी हालतों की वजह से शर की बजाय खैर की तरफ मायल हो, ये मुमकिन है। एक बच्चा सही फितरत है दिखाई दे देता है, उसमें प्यार का मादा है, प्यार की बात सुन लेता है, समझता है। एक बच्चा जो शरारत की तरफ मादा है, एक गंदे गलियों के माहौल में बेचारा पल रहा है, उसके मिजाज में करख्तगी, लूटमार, झूठ, गंदगी, ये पहले ही शामिल होते हैं। एक बच्चा है जो नबियों की औलाद है, उसको बहुत पाकीज़ा और मुकद्दस माहौल मैसर आया होता है। इन सब बातों में एक गहरा हिकमत का पैगाम है कि अगर हर शख्स अपनी बदी या अपनी नेकी के मुताबिक उसी तरह मर जाए तो इस कायनात का मकसद ही कोई नहीं रहता। एक शरीर शरारतें करते हुए जब मरता है तो वो निजात हासिल करता है, ना कि वो उससे कोई सजा का खतरा दरपेश होगा। बस ये जो ख्याल है हर जालिम और मुजरिम का कि अपनी जिंदगी में अगर मैं कानून की नज़र में ना आऊं और जितने चाहे जुल्म कर लूं मैं बच के निकल जाऊंगा, इसका तोड़ सिर्फ आखिरत के दिन का तसव्वुर और उस पर ईमान है। नेक आदमी कई किस्म के हैं, बाज़ नेकी ही को अपनी जजा समझते हैं, ये अलग दर्जे के लोग हैं, मगर बहुत से ऐसे हैं जिनकी नेकी मिजाज की वजह से जो उन्होंने विरसे में पाया होती है और वो नेकी जजा की मुस्तहिक नहीं हुआ करती। मसलन एक जनखा है जिसको खुदा ने जिनसी ताल्लुकात की ताकत ही अता नहीं की, वो कहे अल्लाह मैं मुझे जजा दे, मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, मैंने कभी किसी औरत को बद नज़र से नहीं देखा। तो ये लाजिक जो आप बयान कर रहे हैं अगर ये 100% तस्लीम हो जाए उसको जजा मिलनी चाहिए, मगर जजा उसको मिलेगी जिसमें मुखालिफ मादा मौजूद हो और इस ख्याल से कि अल्लाह ताला उससे मना करता है फिर रुक जाए, किसी के कहने में रुके तो उस पर उसकी जजा हुआ करती है। अगर बगैर कहे हालात के तकाजों में रुकता है तो अच्छी बात है मगर काबिल जजा नहीं है। तो यौम आखरत में जो जजा और सजा का ताल्लुक है उसका यही फलसफा है जो मुख्तसर मैंने आपके सामने रखा है। शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, फरमाइए। मैं ये पूछना चाहता था तो फिर ये बात क्या सच है कि सिर्फ कलमा गो ही जन्नत में जाएगा? मैं अगली बात बताने लगा हूँ आपको। जी, आपका आपके सवाल का एक तीसरा पहलू है ये। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही आसान और हद से बेहद काबिल एतमाद उसूल बयान कर दिया है जिसके बाद हमारा इन बहसों का मामला ही खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि किसी नफ्स को जो उसको तौफीक बख्शी है उससे बढ़कर किसी चीज का पाबंद नहीं करेगा, जो उसने नेकी कमाई उसकी जरूर जजा देगा, जो उसने बदी कमाई उसकी सजा उसको दी जा सकती है और चाहे तो माफ कर दी, अलग मामला है। अब ये बातें वो हैं जिनको इंसान अपने जिसको वांटेज पॉइंट कहते हैं अपने मकाम से जहाँ से वो देख रहा है चीज़ों को वो मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की तबीयत में धोखे भी बेशुमार हैं। इंसान इंसान को पूरी तरह समझ भी नहीं सकता किस मकसद से किसी ने क्या किया। बस अगर इनकार इस्लाम का दिल की बीमारी की वजह से हो तो काबिले मौक़े है और अमल उसकी राह में उसकी ताईद में फिर कोई सिफारिश नहीं कर सकता।
क्योंकि बुनियादी तौर पर अल्लाह के पैगंबर के इनकार का मतलब है अल्लाह ताला की बाला दस्ती का इनकार, और ये अहमियत है सबसे बड़ी बात जो नबूवत के इकरार में इकरार की का फलसफा है, और इस अहमियत को अल्लाह ताला ने आगाज़ आफरीनिश की कहानी से बयान फरमाया, शैतान के मुतल्लिक फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम को बना दिया, ठीक ठाक कर लिया, उसमें अपनी रूह फूंक दी यानी इल्हाम से उसको बरकत बख्शी, फिर आदम को कहा इसको सजदा कर, फरिश्तों को कहा इसको सजदा कर, तो शैतान ने कहा कि ये मुझसे घटिया है, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और इसी तुमने मिट्टी से पैदा किया है, इसलिए मेरी शान के खिलाफ है कि मैं अपने से घटिया आदमी को सजदा करूं। अल्लाह ताला ने बजाय इसके कि वो दलील देता हमारा जा मर्दूद, और लोग हैरान है कि दलील क्यों ना दी, दलील इस तर्ज बयान में पहले दी जा चुकी है क्योंकि खालिक के सिवा किसी को सजदा करने का हक नहीं है, न इंसान को, न शजर को, न हजर को, किसी चीज को, और खालिक जिसे अपना नुमाइंदा बना दे, नफखना फीहि मिन रूहिना में ये मजमून बयान हुआ है कि जब हमने अपनी रूह फेंकी यानी अपने इल्हाम से उसको मुजय्यन फरमा दिया, उसे अपना मामूर नुमाइंदा बना दिया, कि ये बहस नहीं उठ सकती कि जाती तौर पर वो आला है कि अदना है, क्योंकि जाती तौर पर तो पहले भी आला और अदना चीज़ें थी, किसी को किसी दूसरे को मखलूक को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया गया था, इसलिए मामूर को जिसको खुदा ने बनाया हो उसके सामने सर झुकाना इस बुनियादी असूल के ताबे है कि अल्लाह के सामने सर झुकाना हमारा फर्ज है। इस बहस में हमें पढ़ने की इजाज़त नहीं कि हम उसे अपने से अच्छा देखते हैं या कमतर देखते हैं, अगर साबित हो जाए कि अल्लाह ने बनाया है तो फिर अगली बहसें ख़त्म हैं। बस अगर किसी शख्स को जो किसी भी मजहब में पैदा हो इस्लाम का पैगाम इस रंग में पहुंचा हो कि वो उसे समझने की अहलियत रखता हो, मगर अपनी बदकिरदारियाँ, दुनियादारियाँ, मादा परस्ती, माहौल के तकाजे उसकी राह में हायल हो जाएं, तो उसकी शराफत उसके काम नहीं आएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने गुफ्तगू की है यूरोप में, वो कहते हैं जी हम मानते हैं, तस्लीम कर लिया कि आपकी दलील दुरुस्त है, लेकिन हमें तौफीक नहीं है अपने माशरे को छोड़ना, अपने पस मंजर से जुदा हो जाना, इसकी हमें ताकत नहीं। तो ऐसे शख्स ने जान कर कि ये अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए गए थे, वही कुल आलम के रसूल हैं, अपनी मजबूरियां पेश करके उनका इनकार कर दिया। तो इनकार इस किस्म की मजबूरियों से भी हुआ करता है, शरारत से भी हो सकता है। कुरान करीम से पता चलता है कि शरीरों की सज़ा ज़्यादा है और इस किस्म के लोगों की निस्बतन कम है, मगर सजा ज़रूर मिलेगी इस इनकार की, और सजा के मज़मून को अगर आप समझ जाएं तो ये फ़लसफ़ा और भी ज़्यादा फितरत को काबिल कबूल हो जाता है। सजा का माना मज़हब के ताल्लुक में यह है कि वो इम्कानात तरक्की के जो किसी चीज़ से वाबस्ता हों, इंसान उनसे महरूम रह जाए तो उसकी सजा है। अगर किसी को, किसी अमीर के बच्चे को तालीम के सारे मौके मयसर हों, ज़हन भी नसीब हो, लेकिन वो अपने हमजोलियों में पढ़कर उनकी दोस्ती में वक्त ज़ाया करने का आदी हो जाए, तो वो अगर इनकार कर दे माँ बाप का तो बज़ाहिर उसको सजा नहीं दी गई, कानून के हवाले नहीं किया गया, मगर इससे बड़ी और क्या फिर सजा होगी कि उसके भाई तरक्की करते करते बड़ी आला मनाजिल तक जा पहुँचें, कि बड़े बड़े अफसर बने, कि बहुत अमीर हो जाएं, दुनिया के लिहाज से बेहतरीन हों, साइंसदान बन जाएं और एक गलियों में खाक फांकता फिरे। तो बाद सजाएं खुदा ताला ने जुर्म के साथ ही मुकद्दर फरमा दी हैं, तो इससे बड़ी और क्या सजा हो कि बेहतरीन नबी आ जाए, कामिल तालीम लेके आ जाए जो रूह को चला देने के लिए ज़रूरी हो, और फिर भी वो अंधा उठाया जाए, जब वो देखने से इनकार करता है तो उसकी आंखें अंधी हो गई गोया के,
اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے خدا تو نے کیوں ہمیں اندھا اٹھایا جبکہ میں زندگی میں دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں, تو زندگی میں دیکھنے کی طاقت کے باوجود دیکھنے سے محروم رہا. بس یہ بعض باریک باتیں ہیں, مگر اگر مزید تفصیل میں گیا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. شکریہ. سردار ٹیک سنگھ صاحب کا سوال ہے جی, جو جلنگم سے تشریف لائے ہیں. لائے نہیں, لاتے ہیں ماشاء اللہ, ہمیشہ تشریف لایا کرتے ہیں. کی حال ہے سردار صاحب؟ خیریت ہے؟ مہربانی, اجازت ہے؟ جی جی, شوق مال. سب سے پہلے تو میرا سلام عقیدت قبول ہو, اور سوال نیم سیاسی صاحب معلوم پڑتا ہے, لیکن ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے, لہذا میں یہ گستاخی کر رہا ہوں. نہیں نہیں, گستاخی بالکل نہیں, ماشاء اللہ آپ کا تشریف لانا مہربانی ہے. اور سن 1947 میں جی جب بادشاہی ہند و پاکستان میں تقسیم ہوئی اور جماعت عاملیہ کا ہیڈ کوارٹر اس وقت ہندوستان میں قادیان تھا, ٹھیک, میں حضور سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جماعت عاملیہ نے اس تقسیم میں کیا رول ادا کیا. بہت اچھا, جزاک اللہ, شکریہ. سب سے پہلا تو ایک فریضہ ایسا ادا کیا جس کا سکھوں سے تعلق ہے, اس لیے میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں. ہمارے امام نے, اس وقت کے امام نے بھی اور میرے چچا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی تمام سکھ کمیونٹی کو اس بات سے متنبہ فرمایا کہ دیکھیں آپ ہندوستان کے لیے آپٹ نہ کریں, کیونکہ نہ آپ کا مذہب ان کے قریب ہے اور نہ آپ کے حقوق کی حفاظت ہو سکے گی. آپ توحید کے قائل ہیں اور توحید کے لحاظ سے اسلام آپ کے قریب ترین ہے, اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے جتنے آپ کو پاکستان میں حقوق ملیں گے اتنے ہندوستان میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اس لیے بے گھر ہو جائیں گے. اور یہ سارا پنجاب پاکستان سے نہیں, آپ کے قدموں سے بھی نکل جائے گا. یہ تنبیہ اتنی وضاحت سے کی گئی کہ ایک مضمون حضرت مرزا بشیر احمد صاحب میرے جو چچا تھے ان کا بہت ہی ہر دل عزیز ہوا اور سکھوں میں ہاتھوں ہاتھ نکلا, وہ تھا خالصہ ہوشیار باش. اور سکھ علماء چوٹی کے سربراہوں نے اس کا ادب کیا, مگر کہا نہیں, ہم نے فیصلہ کر لیا ہم ہندوستانی کے ساتھ رہیں گے. اور اس کے بعد آج تک اس کے دکھ اٹھا رہے ہیں. بلکہ اس سے بڑی غلطی کہ خود اس پنجاب کو جس کی محبت ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی, اسی خمیر سے اٹھے تھے وہ, اس کو تقسیم کر دیا, ہریانہ بنا دیا, جلندھر کی شاخ الگ کر دی. اتنا ظلم. اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے تو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ بادشاہی کرنی تھی انہوں نے یہاں. تو پہلا فرض تو جماعت احمدیہ نے یہ ادا کیا کہ سکھوں کو متنبہ کیا کہ ایسا نہ کرو, اور یہ بتایا کہ دیکھو ہمیں تو یہ نقصان پہنچے گا کہ گرداسپور جہاں قادیان ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گا, تم اگر جاؤ گے تو وہ بھی نکل جائے گا, لیکن تمہارا نقصان بہت شدید ہے اور دائمی ہے, مگر نہیں سنی گئی. دوسری بات جماعت احمدیہ نے یہ کی کہ باوجود اس کے کہ مہاتما گاندھی نے بھی, نہرو صاحب نے بھی, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی میرے سے دو دفعہ پہلے جو سربراہ تھے جماعت کے, ان کو ذاتی پیغام بھیجے, اپنے نمائندے بھیجے, منتیں تو نہیں کہتا لیکن تنبیہ ضرور کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی غلطی نہ کریں, یہ آپ سے بہت برا سلوک کریں گے. اور جو افغانستان میں آپ لوگوں سے ہو چکا ہے اس کی یادیں تازہ کر دیں گے.
और गांधी साहब ने जो पैगाम भेजा मिर्दौला साराभाई के जरिए भिजवाया था, और उसने इत्तफाक अपने लिए समझता हूँ कि मैं उसमें मौजूद था उस वक्त, उसने ये पैगाम दिया कि गांधी साहब कहते हैं कि आपकी फिरासत और जो मजामीन सियासी आपके रहनुमाई के लिए निकलते रहे हैं उनके ज़रिए से, जफरुल्लाह खान साहब की वजह से भी, उन्होंने कहा मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं समझता हूँ आपको सियासी शऊर है, लेकिन आप ये हरकत क्या कर रहे हैं कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिस पाकिस्तान की आप तायद कर रहे हैं उसने आपसे बहुत बुरा सलूक करना है। हज़रत मुस्लिम माऊद ने, हम उनको मुस्लिम माऊद भी कहते हैं, यानी खुदा तआला की तरफ से इस्लाह का वादा जो था वो उनके ज़रिए पूरा हुआ, आपने जवाब दिया कि गांधी साहब से कह दें मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ लेकिन दो बातें हैं जिनको याद रखें, हमारी ज़िंदगी और मौत मुसलमानों के साथ है। ये नहीं हो सकता कि आप मुसलमानों का कत्ल वारत करवाएं, उन पर मजालिम करें, उनके हकूक़ पामाल करें और हम इस वजह से आपसे मिल जाएं कि आप हमारे हकूक़ की हिफाजत करेंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां वो मारे जाएंगे वहां भी मारे जाएंगे, हमारा मुकद्दर मुसलमानों के साथ है। दूसरा, उनको ये ख्याल है कि मुझे इल्म नहीं, आपने अपने खुतबे का हवाला दिया कि वो अगर मेरा खुतबा सुन लेते तो उनको पता चलता कि मैंने जमात को जहाँ पाकिस्तान की तायद की हदायत की वहाँ मुतनबे भी किया और कहा कि पाकिस्तान की तायद मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें वहाँ एक अमन की जगह मिल जाएगी, जो मेरी आंख देख रही है वहाँ तुम पर ऐसे खौफनाक मजालिम होंगे कि अगर मैं तफसील बयान करूँ तो जो कमज़ोर दिल हैं उनके दिल बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुकद्दर है कि इन मुसीबतों में से गुजरें और कौम की तकदीर भी मेहनत और कोशिश और कुर्बानी के साथ तब्दील करने की कोशिश करें और इस्लाम का साथ न छोड़ें, क्योंकि यहाँ अब वतन की बात नहीं रही, अब ये सवाल मुसलमान गैर मुसलमान का सवाल हो गया है। ये आपने जवाब दिया और ये बैन ही उसी तरह साबित हुआ, इसलिए नादानी का फैसला नहीं था। अगर इंसान को पता ना हो कि मुझे मार पड़ेगी और फिर मार पड़ जाए तो कहीं बड़ा बेवकूफ़ निकला, लेकिन पता हो और आला मकसद की खातिर वो मार खाए तो उसको बेवकूफ़ नहीं कहा जाता, उसको जो मर्जी नाम दे दें, वो इसको कह सकते हैं आपके ये अवाकिफ से बेखबर हो गया एक असूल की खातिर, अब सर धड़ की बाजी लगा दी एक असूल की खातिर, मगर बेवकूफ़ नहीं कह सकते। ये हाल मुसलसल पाकिस्तान में जारी रहा और ख़ुद मेरे साथ भी ऐसे मौके वाबस्ता हैं जहाँ मैंने वही किरदार अदा किया जो मेरे बाप ने पहले किया था। जब पीपल्स पार्टी वजूद में आई है तो उस ज़माने में इस वजह से कि पीपल्स पार्टी उस वक्त पाकिस्तान की वहदत का नारा लेकर उठी हुई थी और मशरक और मगरब में तफरीक का जो मसला या शरारत शुरू हुई वो बाद की बात है। आगाज़ में पीपल पार्टी का मंशूर एक मुल्की यकजहती और मुल्की वहदत का मंशूर था, उसके बरक्स बाकी जितनी पार्टियां थीं वो तकसीम की तरफ मायल हो गई थी। वली खान साहब अब पख्तूनिस्तान की बात कर रहे थे, दौलताना साहब उस वक्त बांग्लादेश के लीडरों के साथ साजबाज कर रहे थे, उनके साथ मिल गए थे, तो जमात के लिए चारा कोई नहीं था। चुनांचे पीपल्स पार्टी की मदद में जो भी जमात ने खिदमत की है उसमें मुझे अकेले को जो मौका मिला है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस जो मेरे पेशरौ थे उन्होंने मुझे पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब से राब्ते के लिए मुकर्रर किया हुआ था। चुनांचे मैंने उनकी खातिर उनकी जो प्लानिंग थी उसमें बहुत काम किया, उनकी पहली तकरीर के सिलसिले में भी उनकी बहुत मदद की। जब ये जीत गए तो उस वक्त मैं सिंध अपनी ज़मीनों के दौरे पे गया तो रास्ते में वीरपुर खास है, वहाँ जो पीपल्स पार्टी के चोटी के सरबरा बसंत सैद गुलाम रसूल शाह साहेब मरूम और इस तरह के और बड़े सरबरा थे, उन्होंने मेरे एजाज़ में दावत की
और बहुत इज्जत दी और दावत के बाद एक तकरीर की पीर गुलाम रसूल शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब मैं जानता हूँ कि जमात अहमदिया ने के बड़े एहसान हैं हम पर, लेकिन सारी जमात के एहसान एक तरफ और आपके अकेले के दूसरी तरफ। ये मुबालगा अमीजी थी, और उनका मानना यह था कि आप ज़ाती तौर पर जो बातें समझाते रहे हैं हमें वही ठीक निकलती थी। इन मानों में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा, इसलिए अब खुदा हमें ताकत दे रहा है तो आप देखना हम किस तरह इन एहसानात का बदला उतारने की कोशिश करेंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे मौका मिला ना, मैंने कहा पीर साहब मेरा आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मुझे माजरत के साथ इख्तलाफ की इजाज़त दें, आप एहसान का बदला ज़रूर उतारेंगे लेकिन उसी तरह उतारेंगे जिस तरह मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के क़याम के एहसान का बदला उतारा था, उससे अलग होकर नहीं उतारेंगे। पहली एंटी अहमदिया तहरीक जो 1953 में चली है वो दौलताना की सरबराही में चली है, और 1953 की तहकीकाती अदालत ने 100% वजाहत के साथ लिखा कि हुकूमत पंजाब करवा रही थी सारा कत्लो गारत, वरना आईजी ने कहा कि आईजी का क्या सवाल है, अगर एक थानेदार मुझे देते और कहते कि इसको बंद करा दो तो मजाल नहीं थी मौलवी की कोई शरारत कर सकता। तो हुकूमत करवा रही थी सारे अखबारात जो एंटी अहमदिया तहरीक चला रहे थे उनको पैसे दे रही थी फंड्स अपने खजानों से, और किसी ने अगर वो किताब पढ़ी हो इंक्वायरी मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट तो उसको पता लग जाएगा कि इतनी बिल्कुल वाज़ह खुली बात है, आज भी वो मौजूद है किताब। तो मैंने उनको कहा पीर साहब को कि ये वाक़ हम देख चुके हैं, भोले नहीं हैं, हमने पाकिस्तान उसूलों की मोहब्बत की खातिर मुसलमानों के अमूमी मफाद की खातिर बनाने में अपनी जितनी भी तौफीक थी मदद की, पीपल्स पार्टी पे भी हमारा कोई एहसान नहीं क्योंकि हम मजबूर थे, यही उसूल इसी इस मौके पर भी हमें मजबूर कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की मदद करें, लेकिन आपने वही करना है जो दौलताना और उसके साथियों ने किया था। जब 1974 की तहरीक चली है तो पीर साहब बहुत शरीफ नफ्स आदमी थे, वो हतर मजदूर कोशिश करते थे कि मेरा आमना सामना ना हो जाए कहीं, वरना उनको याद आएगा और शर्मिंदा होंगे। मुझे याद है एक दफ़ा असम्बली की इबारत में एक कॉरिडोर से दाखिल हो रहा था, पीर साहब दूसरी तरफ से आ रहे थे, मुझे देखते ही दौड़ के किसी कमरे में जाके लॉक हो गए, और उसके बाद मरते तक फिर मुझे शक्ल नहीं दिखाई। इसलिए जो कादियान के ज़माने में जमात के फैसले थे वो सोचे समझे अवाकिफ से बाखबर होते हुए बाद उसूलों के पेश नज़र थे, उसमें अहमदियों ने कोई नादानी की गलती नहीं की, उसूली कुर्बानी की अगर गलती कहेंगे आप तो वो ज़रूर की है। शुक्रिया। और भी है एक सवाल? अच्छा फरमाइए। दूसरा सवाल इंसानी हकूक पर है जी, ह्यूमन राइट्स पर। कुरान करीम की तालीम के मुताबिक इंसानी हकूक पर आप रोशनी डालें, मैं आपका मशवरा हूँ। ठीक जी, कुराने करीम ने जिस तालीम को कय्यमा फरमाया है उसका जिक्र एक छोटी सी सूरत में आता है जिसे कय्यमा नाम दिया गया है, अल कय्यमा। उस सूरत में कुराने करीम ये नज़रिया पेश करता है कि जितने भी मज़ाहिब हैं कदीम तरीन हों या बाद में आने वाले, उन सब मज़ाहिब में जिनमें इस्लाम मुस्तस्ना नहीं ये भी शामिल है, चंद बुनियादी बातें हैं जो लाजम हर मज़हब में मिलती हैं। उनमें पहली अल्लाह का हक, तौहीद का क़याम, दूसरी उस तौहीद के सामने खालिस होकर झुकना और अपने वजूद को उसके सामने पेश कर देना, तीसरी ज़कात यानी बनी नौ इंसान और गुरबा की हमदर्दी में खर्च करना, और इंसानी बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करना,
یہ قرآن کریم کی تعلیم کی خوبی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں رکھی یہ تعلیم، کھلا اعلان کیا ہے کہ پہلے بھی سب مذاہب میں اور ہر جگہ یہی تعلیم ہوا کرتی تھی، آج بھی یہی ہے، مگر جس تفصیل سے پھر اس پہ روشنی ڈالی ہے، ایک بہت بڑا مضمون ہے، غلام کے حقوق، آقا کے حقوق، مالک کے حقوق، عورت کے حقوق، مرد کے حقوق، انسانی حقوق کے جتنے بھی دائرے ہیں، ایک ایک دائرے کو لے کر اس کی تفصیل میں بیان فرمایا، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان کے حقوق، بیٹیوں کے باپ پر، باپ کے بیٹیوں پر، ماں کے بیٹوں کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے، اگر اس کا میں تفصیل سے جواب دوں تو کئی دن کی بات ہے، سمجھے، مگر موجود ہے۔ اصول وہی ہے، آخری اصول اس کا خلاصہ، کہ کوئی شخص خدا کا سچا پرستار ہو ہی نہیں سکتا اگر خدا کی طرف منسوب کر کے دوسرے بنی نوع انسان کے خلاف نفرت کی تعلیم دے۔ اس کا فرض ہوگا، اس کا خیال ہوگا شاید کہ وہ خدا کا ہے، لیکن جو اللہ کا ہو، اللہ کے بندوں کے خلاف نفرت کی تعلیم دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے۔ اندھیروں سے روشنی نہیں پھوٹ سکتی، روشنی سے اندھیرے نہیں پیدا ہو سکتے، یہ قرآن کریم بار بار فرما رہا ہے۔ تو آج جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر وہ مذہب کے نام پر انسان اور انسان میں تفریق کرتے اور ان دوسروں بغیروں پر یلغار کی تعلیم دیتے، انہیں ہولی وار کہتے ہیں، تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا، قرآن کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھے سوال فرمائے ہیں، ماشاء اللہ۔ حضور، اگلا سوال، مس روبی جو ٹوٹنگ سے تشریف لائی ہیں، کون؟ مس روبی جی ٹوٹنگ سے آئی ہیں جی، اور یہاں ہال میں موجود ہیں جی جی، سائیکالوجسٹ، سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کا سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں پڑھ دوں۔ میرے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں آ کر دجال کو شکست دیں گے، دجال سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ان کی زندگی کی قائل ہیں نا، یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے قائل ہیں تو تبھی مان رہی ہیں نا، اس لیے یہ اس بات تعلیم یافتہ ہیں ماشاء اللہ، ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تمام مسلمان متفق علیہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بٹھائے گئے ہیں کہیں، اور ان کو اگر یہ پتہ ہو کہ کائنات کی وسعت کتنی ہے، تو سات آسمان قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، آٹھواں نہیں بیان کرتا، اور سات آسمانوں کی وسعت 20 ملین سال کا فاصلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شعاع یعنی روشنی کے کندھوں پر بیٹھ کر سفر شروع کرے، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے تک اس کو 20 ملین سال لگیں گے۔ ٹھیک، تو چوتھے آسمان کا محل وقوع عین وسط میں واقع ہے، اس لیے کم سے کم 10 بلین سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک جانے پر لگنے چاہیے، اگر شعاع پر بیٹھ کے جا رہے ہوں، اور شعاع سے تیز سفر خدا تعالیٰ نے اپنی کائنات میں بنانے کا سامان ہی کوئی نہیں بنایا، خدا کی تقدیر کے خلاف کوئی انسان عمل نہیں کر سکتا۔ تو ابھی تو یہیں کنارے پر بیٹھے ہوئے، یہاں کہیں آواز دی جا سکتی ہے، 10 بلین سال انتظار کریں تو وہ وہاں پہنچیں گے، پھر واپسی پہ 10 بلین سال اور لگیں گے۔ تو کیا مسلمان اپنی تقدیر خیر و شر کا 20 ملین سال انتظار کریں گے، جبکہ ساری انسانی تاریخ کو آج تک صرف 6000 سال ملے، آدم آئے، سارے انبیاء کے سلسلے آئے، بڑے بڑے کام دکھا گئے، خاتم النبیین ظاہر ہو گئے، تو جو باشعور اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے یہ سوال سچتے نہیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عقیدے وسطی دور کے علماء نے گھڑے ہوئے ہیں جن کو کائنات کا کوئی علم ہی نہیں تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو ظاہر پر محمول کر لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عارفانہ کلام کو لفظی سمجھ لیا، اور اگر عارفانہ کلام کو لفظی سمجھیں تو بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے
कि औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है। तो कभी कोई खातून मर्द पहनकर बाजार में निकलेंगी, क्योंकि मर्द औरत पहन के बाजार में निकले? जाहिर बात है कि लिबास का मफहूम समझना चाहिए। लिबास पर्दापोशी करता है, लिबास अयूब को ढांपता है। तो तालीम यह है कि ए खामदो, अपनी बीवियों के पर्दापोशी किया करो, उनके अयूब को ढांपो, उनकी कमजोरियां दुनिया को ना बताते फिरो। और ए बीवी हो, तुम अपने खामदों की पर्दापोशी करो और सतारी से काम लो। इतना खूबसूरत पैगाम अगर लफ्जी बना दिया जाए तो देखें कितना भयानक बन जाएगा। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ आसमानी आवाज़ हैं, उसका ज़मीनी ज़ुबान में तर्जमा करना ज़मीनी ज़हनियत के साथ मुमकिन ही नहीं है। अब जिस दज्जाल का हवाला दिया है रूबी साहिबा ने, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अव्वल तो मसीह के आने से पहले दज्जाल का पैदा होना ज़रूरी है, और दज्जाल के पैदा होने से पहले उसके गधे का पैदा होना ज़रूरी है, और 20 बिलियन साल इंतज़ार करें तो फिर पहले गधे की दुआ मांगें, फिर दज्जाल की, फिर मसीह की। किस दुनिया में बस रहे हैं लोग? अक्ल क्यों नहीं करते कि इलाही कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी तशरीह फरमा रहे हैं? ऐसी तशरीह कैसे हो सकती है जिसको आज की दुनिया का मामूली अकल का बच्चा भी रद्द कर देगा? लेकिन अगली बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगामात में उनको समझने की चाबियां रख दी थी। तकलीफ माला युताक नहीं है कि पैगाम दिया ऐसी जुबान में जिसको हम समझ ही नहीं सकते। ऐसी जुबान में पैगाम दिया कि जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई आलिम दीन कहलाकर इस जुबान को समझ क्यों ना सका। आपने फरमाया दज्जाल को पहचानना है तो दज्जाल के गधे को पहचान लेना, और दज्जाल के गधे की इलामत यह है कि वो एक सवारी होगा जो आग खाएगा, चारा नहीं खाएगा, दाने नहीं खाएगा। तो एक ऐसी सवारी होगी जिसके पेट में आग होगी, लेकिन सवारियां उसके पेट में सफर करेंगी, यानी उस जहन्नम में दाखिल हो जाएंगी। साफ जाहिर है कि आग का अलग कंपार्टमेंट होगा और सफर के लिए अलग कंपार्टमेंट होगा। चुनांचे फरमाया अंदर उसकी रोशनियां भी होंगी, आरामदेह बैठने की जगह होंगी। सिर्फ इतनी बात पर गौर करें तो समझ आ जानी चाहिए कि वो गधा क्या है। लेकिन आपने इत्तफाकात पर नहीं छोड़ा, फरमाया उस गधे का खुश्की का जो तस्वुर है वो बहरी गधे से मुख्तलिफ है और हवाई गधे से मुख्तलिफ है। तीन किस्म के गधे हैं, एक वो जो ज़मीन पर सफ़र करने वाला गधा है दज्जाल का, सबको दज्जाल का गधा ही कहा है लेकिन उसकी तफसील अलग अलग बयान फरमाई। फरमाया उसके दो कानों के दरमियान 70 गज का फासला, सवारियां उसके अंदर दाखिल होंगी, उसने स्टेशन बनाए होंगे, हर स्टेशन से चलने से पहले वह ऐलान किया करेगा कि मेरी रवानगी का वक्त आ गया, जिसने बैठने बैठ जाए, और फिर वो अगले स्टेशन पर जाकर ठहरेगा, फिर ऐलान करेगा कि जिसने आने आ जाए, मैं अब चलने लगा हूँ। और फिर उसका उसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि मारूफ सवारियां जो हैं वो जो महीनों में सफ़र करती हैं वो दिनों में या घंटों में करेगा। अब रेलवे जो हमारे सामने है या दूसरी तेज रफ्तार सवारियां जो आग पर चलती हैं, उनमें और पुराने रवायती गधों में जो वजह जो खते इम्तियाज है जो अलग अलग करता है वो फायर का ईंधन होना है, आग का ईंधन बनना है। तमाम इंसानी सवारियों में ईंधन नबातात या हैवानात का गोश्त वगैरह है। वो सवारियां जो दज्जाल ने ईजाद की हैं उनमें से हर एक का ईंधन आग है, खा वो पेट्रोल की शक्ल में हो, खा कोयले की शक्ल में हो, खा बिजली के जरिए हो। तो इतनी बात खोल दी और अभी गधे का इंतजार है। फिर फरमाया उसका गधा समंदरों पे सफर करेगा और डूबेगा नहीं, और
समंदर में वो गधा इतना बड़ा हो चुका होगा कि फरमाया कि वो खुराक के पहाड़ उठाकर एक खित्ते से दूसरे खित्ते की तरफ जाएगा, और खुराक के जो पहाड़ उठाए होंगे वो दज्जाल की तरफ से उन कौमों के लिए तोहफा होगा जो गरीब कौमें खुराक की मोहताज हैं मगर उसकी सरदारी को मानती हैं। जो सरदारी को नहीं मानती उनकी भूख के बावजूद उनको वो अपने गधे पर लादी हुई खुराक नहीं भेजेगा। अब अमेरिकन एड जो अब चली है, यूं लगता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं किस तरह बाज कौमें जो भूखी मर रही हैं उनके हमसाए जो उनके अमेरिकनों के गुलाम बने उनको एड पहुंच रही है, और भूखे जो बिच दूसरे उससे भी उनसे भी ज़्यादा तड़पने वाले, जैसे सूडान में होता रहा है या हबशा में होता रहा है, उनको वो एड नहीं दी गई। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरी जहाज़ों का जो तसव्वुर पेश फरमाया है, अजीमशान पहाड़ों की तरह खुराक उठाने वाले और डूबे नहीं और एक जगह से वो एड लेकर दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद अगर किसी को समझ ना आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर हवाई जहाज की इजाद का जिक्र इसी गधे के हवाले से फरमाया। गधा इसलिए फरमाया कि उस जमाने में गधे की सवारी के सिवा या इन जिंदगी वाली सवारी के सिवा कोई इंसान तसव्वुर कर ही नहीं सकता, कर सकता था कि मैकेनिकली कोई चीज चल सके। इसलिए बड़ी हिकमत का कलाम है, गधा सिर्फ इलामत है सवारी की, और आग खाना बता रहा है कि यह गधा वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, लाजिमन मुख्तलिफ गधा है। गधे को किसी ने उड़ते देखा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो उस गधे की छलांग इतनी बड़ी होगी कि एक पांव मशरिक में तो दूसरा मगरिब में उतरेगा। अब कितने जहाज हैं जिन पर चढ़कर हमारे दोस्त तशरीफ लाते हैं, और गालिबन रूबी साहिबा भी मशरिक मुल्क से आई होंगी, वो मशरिक से उड़े और मगरिब में आकर ठहरे, तो क्या देव रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे कि किस शान का नबी था। 1400 साल पहले इतनी वजाहत के साथ वो नक्शा खींचा, फरमाया वो जब उड़ेगा तो क्लाउड लाइन के ऊपर उड़ेगा, और कुरान करीम ने साफ फरमाया कि वस्समाए ज़ातिल हुबके, आसमान को हम गवाह ठहराते हैं कि उसमें रस्ते बन जाएंगे, और वो रस्ते आज बन चुके हैं। जितनी जहाजी जहाज की कंपनियां हैं उनको पता है कि किस रस्ते पर हमने चलना है, किस रस्ते पर दूसरे ने चलना है, वरना आप उसमें टक्कर हो जाए। तो ये गधा है दज्जाल का, जिसमें इशारा इस तरफ था कि वो कौमें जिनको सवारियों पर गलबा नसीब होगा वही दज्जाल है, उन्हीं को दुनिया पर गलबा नसीब होगा। जिनको तेज रफ्तार सवारियां नसीब होंगी वही जीतेंगी, और सारी दुनिया पर वो कब्जा कर लेंगी। और आज तक उलमा बैठे हुए आपको इस अफीम में मुब्तला किए कर रहे हैं कि दुआएं मांगो कि वो गधा आए तो फिर हमारी दिन फिरे उम्मत के। कभी किसी पहली कौम ने भी गधे का इंतजार किया था? सवाए गधे के कोई गधों का इंतजार नहीं कर सकता। हजूर, इसके बाद सवाल जनाब मज़र हुसैन भट्ट साहब का है जो न्यू हम से तशरीफ लाए हैं। ठीक है, मज़र अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। मेरा सवाल ये है कि मैं एक महफिल च गया, उत्थे एक मौलवी हजरात बैठे सी जी, तो उन्होंने ये गल की थी भाई अगर इंसान जिंदगी च एक रोजा रखा है तो दे इतने गुना। उन्होंने ये गल की थी कि जाल के गधे पर चढ़ के ना दौड़े आगे, नहीं नहीं पैदल चले। हाँ जी, फरमाइए। उन्होंने ये गल की थी कि अगर इंसान जिंदगी च एक रोजा रखा है तो उस वास्ते है उदे इतने गुनाह माफ हो जाने, अगर दो रखा है तो उदे इतने माफ हो गए। मसलन के अलगर्ज अगर जिंदगी अठ रोजे रखा है तो उदे सारे गुनाह माफ हो जाने बस जी, तो मैं बाकी 22 रोजे रखो ना रखो जी मैंने इसके बारे वजाहत चाहिए थी कि अगर एक इंसान की जिंदगी 70 या 80 साल है तो अगर वो 8 रोजे रखा है तो क्या उसके सारे गुनाह माफ हो जाने?
मैं मौलवी दी गल मेरी तो पूछ दियो बाकी ते हो जाने ए गुनाह नहीं माफ होना तुहाडा मौलवियों ने हकायतां कर करके तुहानू तां ए हाल किया है दुनिया माफी हा तो बेखबर पाकिस्तान की गली कूचे विच जुल्म सफाकी अंधेर नगरी रिश्वत सितानी बच्चे अगवा करने पैसे ना दवो तो कतल करके लाशा बोरियां भर के घर भेज देना ये सारा इस्लाम है इन्होंने नज़दीक जो मिर्जा साहब न सच्चा मान जाए कि जो तालीम देते हैं कुरान और रसूल की वह कहते हैं इन्ना बड़ा गुनाह है कि वह नहीं बख्शा जाएगा इस वास्ते उन्होंने कज़ाब कह दवो झूठा कह दो जो बदमाशी करनी है करो कोई फर्क नहीं पाएगा थोड़ा बड़ा अच्छा इस्तकबाल होगा जन्नत जिन्हों की दिमागी हालत यह हो इस्लाम की मजहब की रूह का भी पता ना हो किन्ने मौलवी ने जिन्हें रातों की नींदा उड़दियाँ पईया ने कि पाकिस्तान की हो रहा है सियासत बिगड़ गई इंसाफ का निशान बाकी नहीं रखिया भुखे मर रहे हैं लोग और हुकूमतों को कौड़ी की भी परवाह नहीं तुसी नवी चलाकी नहीं देखी हुकूमत की बड़ी अच्छी गल्लां शुरू कीतियां सन इस बहाने कि अवामो नास की खातर असी कीमत गंदम की बढ़ा रहे हैं ताकि जमींदार अगली दफा ज़्यादा गंदम लगान कीमत उस वेले बढ़ाई जदों गंदम जी आनी सी आ चुकी और मिल नहीं रही सी जदों भुख का कौम शिकार हो गई उसकी कीमत भी दुगनी करती कि जो जो भी रहसा सांस लेने का एक इम्कान था वो भी हाथ से जाता रहे हालांकि ये ऐलान भी कर सकते थे कि हम अगली फसल पे कीमत बढ़ाएंगे इसलिए जिम्मेदार काश ज़्यादा करें वो क्यों नहीं किया इसलिए कि अपने खजाने नहीं भर सकते थे भूखों के पेट अपने की पेट की गजा उन्होंने अपनी अपने खजानों में डाली है ना आपके सियासतदान आपके हमदर्द ना आपके मौलवी आपके हमदर्द और आंखें बंद करके लगे हुए हैं उनके पीछे खुदा का खौफ करें कुछ कोशिश करें आंखें खोलें शुक्रिया हजूर ये सवाल जनाब अब्दुल रशीद पाल साहब का है जो नॉर्थ लंदन से आए हैं और यहाँ हॉल में तशरीफ़ फरमा है उन्होंने कहा है कि मैं ये सवाल पढ़ दूँ कुर्बानी के बारे में इस्लामी फ़लसफ़े की रोशनी में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि साहिब इस्तताअत आदमी आज खुद कुर्बानी करे ना कि किसी को कह देना कि मैं पैसे भेज दूंगा या भेजता हूँ तुम कुर्बानी कर देना कहाँ तक दुरुस्त है कुर्बानी का जहाँ तक ताल्लुक है कुर्बानी जो फ़र्ज़ है वो सिर्फ हज हजियों के लिए हज के मौके पर अर्ज़ हरम में कुर्बानी फ़र्ज़ है बाकियों के लिए कुरान करीम में कहीं कुर्बानी की फर्जियत का कोई जिक्र नहीं किया इसलिए वो हज की कुर्बानी की तईद में सवाब लेने की खातिर करते हैं और सवाब लेने की खातिर सवाब के मफहूम को पेश नज़र रखना चाहिए अपने हाथ से छुरी चला दें एक ऐसे मुआशरे में जहां लोग पहले गोश्त खा खा कर पागल हुए जा रहे हैं मैड काउ डिजीज आम हो गई है और जहां गरीब मुसलमान भूखा मर रहा है या अफ्रीकन भूखा मर रहा है वहां कुर्बानी ना करवाएं कि मुझे सवाब मिल जाए तो सवाब मिलेगा या अजाब मिलेगा तबर्रकन कुछ कुर्बानी अगर इंसान जज्बे शौक के जज्बे से यहाँ भी कर दे मैं उसके खिलाफ नहीं कहता मगर ऐसे मुल्कों में बेहतर है मुसलमान के लिए कि अपने गरीब मुल्कों में अपने भाइयों की खातिर जिनको साल में एक दफ़ा भी गोश्त नसीब नहीं होता सिवाय इसके कि कुर्बानी के दिन कुछ मिल जाए वहाँ कुर्बानियाँ करवाएं क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ताला को ना कुर्बानियों का गोश्त मिलना ना खून मिलना है तुम्हारे दिल का तखवा मिलेगा बस अगर तखवा के साथ आप दूसरे मुल्क में कुर्बानी कराएं तो तखवा तो खुदा को पहुंच जाएगा जजा तखवा की मिलनी है ना कि गोश्त की मिलनी है ठीक है हजूर इसके बाद सवाल है जनाब नसीर अहमद साहब जो न्यू हम से तशरीफ लाए हैं न्यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातो सर मेरा सवाल है
قرآن شریف میں کون سی جگہ لکھا ہے کہ شادی کے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ کون سی جگہ لکھا؟ میں نے تو نہیں پڑھا جی, میں نے پڑھا ہی نہیں, تو مجھے پتا کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں آپ روشنی ڈالے نا اس پہ جی, روشنی ڈالے نا آپ اس پہ. میں بتا رہا ہوں, میں نے قرآن کریم سینکڑوں دفعہ پڑھا ہے جی, اور یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آسمان پر جوڑے بنتے ہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا. مولوی جس نے بتایا اس سے پوچھے, قرآن شریف میں نہیں لکھا نا. لکھا ہے بتائیں, انیس پارے میں لکھا ہے. کیا ہے لکھا بتائیں؟ کہ وہ یہ خدا جس نے انسان کے رشتے اور سرال مقرر کی. کہیں نہیں, نکال کے دکھائیں, میں چیلنج کرتا ہوں. کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کریم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کے جوڑے اس نے بنائے ہیں, نباتات کے بھی حیوانات کے بھی, جس کا مطلب یہ ہے نر و مادہ اس نے بنائے ہیں. فلاں کا رشتہ فلاں سے ہوگا, اس کا اشارتاً بھی ذکر نہیں قرآن کریم میں. یہ کسی مولوی نے اپنے دل کی بات قرآن کی طرف منسوخ کر کے آپ کو سکھا دی ہے؟ آپ نے جو پڑھا ہے میں بتا جو رہا ہوں. کتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے آپ نے جی؟ کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ دو دفعہ. ترجمہ آتا جی ہے؟ کوئی آیت میں پڑھوں اس کا ترجمہ کر دیں گے؟ میری بات گزارش سنیں, میں قرآن کے کریم کی کوئی آیت پڑھ دوں اس کا ترجمہ کر دیں گے؟ سارا نہیں, کوئی بھی نہیں یاد. میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں آپ کو. آپ جب کہتے ہیں ترجمہ پڑھا ہے, تو آپ کی مراد یہ ہے کہ کتاب ایسا قرآن کریم جس کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا جی, وہ دیکھ دیکھ کر پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے نا. ہاں میری بات نہیں سمجھ رہے آپ جی. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے جی, یا مجھے ترجمہ آتا ہے جی, تو مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا قرآن کریم پڑھا دو دفعہ جس میں ترجمہ ساتھ لکھا ہوا تھا جی, اور آپ نے وہ ترجمہ دیکھا اور پڑھا اور اسی کو قرآن سمجھا. اور اگر ترجمہ کرنے والے نے غلطی کی, تو وہی غلطی آپ کی طرف بھی منتقل ہو گئی. عربی براہ راست تو آپ جانتے نہیں, سمجھے کہ نہیں. اس لیے میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی وہ آیت آپ کے علم میں آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ہر انسان کا رشتہ ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے, تو مجھے بتا دینا, کیونکہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. جب رشتوں کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا, تو آپ یہ جواب نہیں دیتے تھے کہ رشتے آسمان پر طے شدہ ہیں, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. یہ جواب دیا کرتے تھے کہ رشتے بعض لوگ نسب کی خاطر کرتے ہیں, نام و نمود کی خاطر کرتے ہیں, بعض دولت کی خاطر کرتے ہیں, بعض حسن کی خاطر کرتے ہیں, مگر میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ دین کو اہمیت دینا, نیکی کو اہمیت دینا. اب یہ جواب اور وہ آیت آپس میں متصادم ہو گئے, کیونکہ اگر کسی انسان کا اختیاری کوئی نہیں, تو اس کو یہ نصیحت کیوں کی جا رہی ہے کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ نہ کرنا اور وہ نہ کرنا. اس لیے میں آپ کو بڑے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ اس آیت کا کوئی غلط مفہوم کسی نے لکھ دیا ہے جس کو آپ نے قرآن سمجھ لیا. قرآن کریم نے جو بات لکھی ہے وہی لکھی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں, اور یہ جوڑے جو ہیں یہ کائنات کے ذرے ذرے کے ہیں, سب اٹامک پارٹیکلز کے بھی جوڑے بنے ہوئے ہیں, مگر اس سے مراد شادی نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کس پارے میں کس جگہ لکھے ہوئے ہیں؟ کیا لکھا ہوا جوڑے جی؟ یہ تو کئی باروں میں, ہر بہت سی صورتوں میں ہے جوڑے بنانے کا ذکر, تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. مثلا آپ کوئی بتا دینا. نکال دے, ابھی نکال دے. ہاں وہ نہیں, آیت نکال. یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں, من کل شین خلقنا زوجین, یہ مضمون صرف اس آیت میں نہیں, بہت جگہ پھیلا ہوا ہے. قرآن کریم بار بار ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا, ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. تو مراد میاں بیوی نہیں ہے یہاں, مراد ہے میل اور فی میل, نر اور مادہ, یا ایک قسم اور دوسری قسم. جیسے بجلی کا جوڑا ہے مثبت منفی, پازیٹیو نگیٹو, اسی طرح نیوٹرون ہیں, ان کے اندر پھر جوڑے بنے ہوئے ہیں, نیوٹرینو ہے, اینٹی نیوٹرینو ہے, پوزیٹرون ہے اور نیوٹرون, یہ دو الگ الگ چیزیں جوڑوں کی صورت میں ملتی ہیں, ان کے اندر پھر جوڑے بنے ہوئے ہیں, پھر الیکٹران اور پروٹون, یہ دو الگ الگ بجلی کی کیفیات کو اپنے اوپر لیے ہوتے ہیں, اس لیے یہ جوڑے بن گئے, ایک منفی جوڑا ایک مثبت جوڑا.
तो सारी कायनात का निज़ाम जोड़ों पर मबनी है, ये है जो अल्लाह ताला बयान फरमाता है। और इसमें एक पुरहिकमत इशारा इस बात की तरफ है कि खुदा के सिवा कोई चीज़ वाहिद नहीं है, एक ही है जो बेजोड़े के है। तो ये आरफाना कलाम है जिसका ये तर्जमा करना कि मियां बीवी के लिए रिश्ते पहले से तयशुदा हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये सूरह रात की चौथे नंबर की आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल लज़ी मद्दल अर्दा व जाल फीहा रवासिया व अनहारा व मिन कुल समराते जाल फीहा ज़ौजैन इस्नैन युग्शिल लैल नहारा इन फी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून। और दूसरे बिल्कुल शायन दूसरी जगह है वमिन कुल शैन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, ये सूरह ज़ारियात की 50 नंबर आयत है। वहाँ तो सिर्फ जिंदा लोगों का जिक्र था, यहाँ फरमाता है हर चीज़ में से हमने जोड़े पैदा किए हुए हैं ताकि तुम तदब्बुर करो और गौर करो। और मुसलमानों ने तो गौर नहीं किया बदकिस्मती से, जिनकी जिनको हदायत मिली थी गैर कौमों ने गौर किया और ये हकीकतें मालूम कर लीं कि वाकयातन अल्लाह ताला की तख्लीक में हर चीज़ जोड़े के तौर पर पैदा हुई है। शुक्रिया। हजूर ये सवाल जनाब अब्दुल्ला यास्मीन खान साहब का है जो विंबलडन में रहते हैं, वो तशरीफ़ नहीं ला सके। अच्छा। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने सवाल लिखकर भिजवाया है। वो मुसलमान तबका जिनका ताल्लुक फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों से है, जहाद को कुरान और सुन्नत के मुताबिक दोबारा उसी अहमियत के साथ शुरू करने के हक में है जैसे अव्वल ज़माना इस्लाम में हुआ था, अब हालात कुछ और हैं, हजूर का इस बारे में क्या नज़रिया है? पहले तो अब काफ़ी संजीदा बहसें हो चुकी हैं, फंडामेंटलिस्ट का एक लिफा आपको सुना दूँ। एक साहब ये तकरीर फरमा रहे थे कि फंडामेंटलिस्ट असल में पंजाबी लफ्ज़ है, वो समझते हैं फंड ये फलां फंड फलां फंड ये पंजाबी लफ्ज़ है। तो कहते हैं फंडामेंटलिस्ट को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर फंड इकट्ठे करते फिरते हैं। कि वाकया तो एक शख्स मेरे सुना है लतीफ़ा, लेकिन फंडामेंटलिस्ट एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका हकीकत से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं। फंडामेंटल्स या कुरान हैं जिनको शरीयत की जड़ें करार दिया जाता है, वो फंडामेंटल्स हैं, उसूल शरा, उनमें कुरान है, सुन्नत है, हदीस है। और फिर अगर इनकी कहीं मिल ना सके इनमें कोई चीज़ तो फिर इजमा, ये फंडामेंटल्स हैं। जिनको आजकल फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है ये मशरिक के अज़मन वस्ती के वस्ता के उलमा के पीछे चलने वाले लोग हैं, ना कुरान की तरफ जाते हैं ना सुन्नत की तरफ जाते हैं। जितना चाहें आप इनको दरमियान के ज़माने से खींच कर रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ ले जाने की कोशिश करें, ये कभी भी नहीं जाएंगे। एक तजर्बा करने से मैं अभी आपको मिसाल दे देता हूँ। आप इनसे पूछें कि तुम ये बताओ कि कोई शख्स अगर अपने आप को मुसलमान कहे और उसके अकीदों की तफसील से तुम्हें इख्तलाफ हो तो क्या तुम्हें हक है कि उसे गैर मुस्लिम कह दो बावजूद इसके कि वो अपने आप को मुसलमान कहता है? उन्हें है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं, और भी बातें हैं। अगर कोई हम उनमें नहीं देखेंगे बातें इस्लाम वाली तो हमें हक है, हम उसे गैर मुस्लिम करार दे रहे हैं। अगला सवाल ये करें, तुम फंडामेंटलिस्ट हो तो रसूलुल्लाह सल्लम से ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट कोई था? सारी ज़िंदगी में एक मिसाल दिखाओ कि आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे शख्स को गैर मुस्लिम करार दिया हो जो अपने आप को मुसलमान कहता हो। एक वाक्या में ये फंडामेंटलिस्ट कहाँ से हो गए जो फंडामेंटल के मुनकर हो गए? अपनी मर्जी के अकायद जुल्म करने की खातिर बनी नौ इंसान की गर्दन झुकाने की खातिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम फंडामेंटल रख देते हैं।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک بنیاد قرآن میں موجود تھی. قرآن کریم نے خود فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ گواہی دیتے ہیں قسمیں کھا کر کہ تو اللہ کا رسول ہے, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو واقعتاً اللہ کا رسول ہے, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر فرمایا لما یدخل ایمان فی قلوبہم, ایمان نے تو ان کے دلوں میں جھانک کے بھی نہیں دیکھا. اور پھر فرمایا کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں اپنے لیے, ڈھال بنایا ہوا ہے ایمان کا دعویٰ, ان کا کوئی ایمان سے کوئی اسلام سے تعلق نہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ تو ان کو کہہ دے کہ تم مومن نہ کہا کرو اپنے آپ کو, مگر مسلمان کہلانے کا تمہارا حق قائم ہے, تم مسلمان کہنا چاہتے تو کہتے رہو. قولو اسلمنا, خدا فرما رہا ہے مسلمان نہیں ہیں, مگر ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ جہاں تک بنیادی انسانی حق کا تعلق ہے, اے محمد ان کو یہ حق دے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو مان کے مسلمان. اس حق کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان کے ساتھ بلا استثناء تمام انسانوں کے حق میں اس طرح استعمال فرمایا کہ اس سے یعنی آسمان مذہب پہ گویا نئے درخشندہ ستارے پیدا ہو گئے. ایک موقع پر میں مثال دیتا ہوں, اپنا حق تو استعمال کرنے کا سوال ہی نہیں تھا خدا کے منشاء کے خلاف, ایک مسلمان نے ایک جنگجو مخالف کو بڑی محنت کے بعد پچھاڑ دیا. لڑائی ہو رہی تھی, جہاد ہو رہا تھا, جب اس کی گردن پر وہ چھری پھینکنے لگا یعنی تلوار پھینکنے لگا تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے, اس نے کہا اب اللہ ایک ہے, اب تو جان بچانے کی خاطر کر رہا ہے, اس نے پھر بھی چھری پھینک دی. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے واقعہ بنایا اپنی طرف سے تعریف لینے کی خاطر, کروانے کی خاطر, شاباش لینے کے لیے, تو راوی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کبھی اتنا غضبناک نہیں دیکھا. آپ بار بار فرماتے تھے حلا شککتا قلبہ ہو, حلا شککتا قلبہ ہو, ظالم تنہیں سینہ پھاڑ کے پہلے دیکھ تو لینا تھا کہ وہ اندر سے سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. مطلب تھا کہ انسانی دل کے راز پر خدا کے سوا آگاہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تیرا کیا جواب ہوگا جب اس کا کلمہ تیرے سامنے گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا. یہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولوی کافر گر فرقوں کے فرقے کافر بنا بنا کے نکالی جاتے ہیں, اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے, بالکل نہیں, ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں اسلام نہیں ہے. ان کو فنڈامنٹلسٹ کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے اصطلاحی غلط استعمال کی جا رہی ہے, اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں. حضور یہ آخری سوال ہے جو جناب جاوید اقبال صاحب کا ہے, ساؤتھ ہال سے تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. جاوید اقبال صاحب السلام علیکم, فرمائیے. پہلی عرض یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ آپ پنجابی بولیں. جی مجھے آپ کی پنجابی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, یہ اوپری پنجابی اچھی لگتی ہے مجھے. تو سوال ایسی جی میرا کہ من اتنا علم تو نہیں ہے, تو نہ اتنا شعور ہے اسلام کے بارے, مسلمان ضرور ہاں, تو نہ ایڈی وڈیا کتاباں پڑھی ہیں کہ لوگوں مگو میں دلیل دماں تیا کرا, کچھ گلیں سنیا سی تو کسی حد تک پتہ بھی سی تو کسی حد تک نہیں بھی سی, مگر ایک مضبوطی نہیں سی اندر. ٹھیک ہے. وہ چاہنا سا کہ حضرت اپنا نہیں 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 حضرت ابو طالب صاحب, اچھا حضرت ابو طالب, حضرت مولا مولا مشکل علی صاحب والد, انہوں کے متعلق کیا جاتا ہے کہ آپ جڑے سن کلمہ نہیں سی پڑھیا جب انہوں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا, جگر انہوں نے اسلام قبول نہیں سی کیتا جب کلمہ نہیں سی پڑھیا تو کیا یہ بھی جانا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی کی تھی, نکاح کیتا انہوں نے حضور پاک دی, جڑا نکاح سی انہوں نے پڑھایا سی. رسول اللہ دا نکاح اس زمانے اے نکاح رائج ہی نہیں ہوئی سی جو پہلی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی,
حضرت خدیجہ دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی دعوے نبوت تو بہت پہلے ہو چکی سی, 25 سال پہلا, 15 سال کی مرضی, 40 میں نبوت ہوئی ہے, 15 سال پہلا. تو نکاح کہڑا سی اس وقت, نظام ہی کوئی نہیں سی نکاح پڑھانا, سمجھے یہ کہانیاں بنائی ہیں مولویوں نے. دیکھیں حضرت ابو طالب کے متعلق کلمہ پڑھنے کا کوئی قطعی ثبوت کہیں موجود نہیں ہے, لیکن ان کے مشرک ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے جن کے خلاف قرآن کریم نے فیصلہ دیا ہے کہ مشرک ہوں تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی اور وہ بخشے نہیں جائیں گے, اس گروہ میں ہم ہرگز حضرت ابو طالب کو شمار نہیں کر سکتے. بس آپ کا معاملہ بیچ کا ہے, اپنے بھتیجے اور چھوٹی عمر کے بھتیجے جس کو پال رہے ہیں اس کو پوری حفاظت دی ہے, قربانی دی ہے, لیکن عربوں کے اندر ایک خاص مزاج تھا, ہو سکتا ہے وہ مزاج حائل ہوا ہو یا قوم سے الگ نہ ہونا چاہتے ہوں, آپ نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن یہ کہنا کہ دل میں آپ کی سچائی نہیں تھی یہ میں مان نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب بڑے روشن ضمیر روشن دماغ انسان تھے, اپنے گھر پر پلنے والا بچہ جو بچپن سے سچا ہو اس کو جھوٹا کیسے سمجھ سکتے تھے, ناممکن ہے. حضرت ابو بکر صدیق باہر سے آ کر بغیر دلیل مانگے ایمان لے آتے ہیں اس لیے کہ منہ سچوں کا ہے, تو ابو طالب کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے. اس لیے مجھے, میں نے درس میں بھی یہ بیان کیا تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ اقتباس بھی پیش کیا تھا کہ اگرچہ کوئی قطعی ثبوت ہمارے سامنے آپ کے کلمہ پڑھنے کا نہیں, مگر نعوذ باللہ من ذالک ان کو مشرک اور جہنمی سوچنا گناہ ہے, اس کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے. ایک بھی گواہی نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو, سمجھے. شکریہ. جو آخری سوال تھا, آپ کا وقت بھی ہو گیا ہے, پورے ہو گئے ہیں سوال, اب بیٹھ ہے. اچھا, وہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا, تیار ہو تشریف لیں, ابھی یہی ابھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے مہمان ایسے ہیں جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ ابھی بیعت کر کے سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہوں, تو میں حاضر ہوں, یہ میز اٹھا لیں, میں یہاں بیٹھتا ہوں, جن صاحبان نے فرمایا ہے وہ تشریف لائیں, ابھی ہو جاتی ہے.